हरे कृष्णा, आत्मा नमस्ते। 2 जून 2018, भगवद गीता चैप्टर 9, टेक्स्ट नंबर 25 से स्टार्ट करेंगे। प्लस उसके पहले होगा होलिस्टिक स्पिरिचुअल डिस्कशन, और आज का डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनवोक करने से पहले आप लोगों को बोल दूँ कि प्लीज़ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठिए, इफ़ यू रियली वॉन्ट टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम व्हाट आई विल बी सेइंग। इस चीज़ ने मुझे बेनिफिट किया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये आप लोगों को भी बेनिफिट करे। इन्वोक करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव भक्तवृंदा। बोलो श्री प्रभुपाद की जय। हे कृष्ण भगवान, आपकी इतनी कृपा है हम पे जो हम हर एक सेकंड में अपने लाइफ में देख पाते हैं। आपकी इतनी दया है हम पे कि आप जैसे एक छोटे से बच्चे को फूलों की तरह पालते हो, वैसे हमें पाल रहे हो। जो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमारे पास आ रहे हैं, उनको एक खरोंच मार के आप ख़त्म कर दे रहे हो। इतनी कृपा के बाद हम और क्या मांगे आपसे? सिर्फ आपके चरणों में अपना सर झुकाकर थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। वो सारे हायर बीइंग्स, वो सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स जो कंटिन्यूसली हम पे वॉच रख रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, हमारे लिए रिसोर्सेस दे रहे हैं, आप सबको नतमस्तक होके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इन रिटर्न आपको जो हमसे करवाना है आप करवा लीजिए, हम अपने लाइफ के ड्राइवर सीट पे आपको बिठाते हैं। आपको जिस डायरेक्शन में लेके जाना है हमारा लाइफ, आप ले जाइए। कंप्लीट सरेंडर करते हैं हम आपको। कृपा करके जो भी ये भगवद गीता सेशन सुन रहा है, उनके फ्रेंड्स फैमिली सबको आप आशीर्वाद दें कि दिव्य ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम उसका सही उपयोग कर पाएँ, उसे वेस्ट ना होने दें। हमारे बुद्धि को उतना एक्टिवेट कर दीजिए कि हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर पाएँ। हमारे आत्मा को उतना बल दीजिए, उतनी शक्ति दीजिए कि हम इसे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। आपके आशीर्वाद से ही यह सब मुमकिन है प्रभु, बस वही आशीर्वाद दीजिए। वी थैंक यू इन फुल फेथ, सो वेट। ओके, आज का हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन होगा। समझना फर्स्ट स्टेप होगा, लेकिन समझ के अप्लाई करना मुश्किल रहेगा। बट हम लोग अगर पहले से ये डिसाइड कर लें अभी से कि हम इसका एक एक सेंटेंस को समझ कर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारी लाइफ 110% चेंज होगी। 110%, ये मैं गारंटी देती हूँ। ऑल राइट, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं। हमारे अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, ठीक है? कुछ भी सीड लीजिए, एंगर का सीड है, कंट्रोलिंग नेचर का सीड है, इनसिक्योरिटी की सीड है, हेट्रेड की सीड है, जेलेसी की सीड है, जो भी अनवांटेड सीड्स हमारे अंदर हैं। अब अगर हम जो प्रिस्क्राइब्ड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और प्रैक्टिसेस हमें बताया गया है वो करके उसे निकाल पाते हैं, वेल एंड गुड। लेकिन वो भी हमें बहुत सिंसियरली करना पड़ता है। अगर वो निकाल पाते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं निकलता है तो पता है क्या होता है? वो एक एक सीड के लिए एक एक कार्मिक अकाउंट आपके लाइफ में आएगा। मतलब वो एक एक सीड को का एहसास दिलाने के लिए, उसको निकलवाने के लिए एक एक इंसान आपके लाइफ में आएगा, एक एक सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी जो आपको झेलना पड़ेगा, रो रो के सहना पड़ेगा, सो दैट वो सीड हमें समझ में आए, निकले। अब अगर आप अकलमंद हो, मैं अकलमंद हूँ, हम क्या करेंगे? ये हो सब होने से पहले ही उस सीड को निकाल देंगे। लेकिन उस सीड को निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है अवेयरनेस। क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें हम करते हैं, तो हम वो निकाल ही नहीं पाते हैं। इतने सारे सेशंस हम लोगों ने लिया, कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आई, लेकिन क्या हमारी सिचुएशंस चेंज हो रही है? हो रही है या नहीं हो रही है वो हम जानते हैं। मतलब गड्ढा खोद कर उखाड़ना है। YPV में बहुत अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ब्लू ट्रायंगल है, इनर रिफ्लेक्शन है,
जो अर्हत से हो सकता है वो करने से काफ़ी हद तक निकलता है, जो कि हमें सिंसियरली करना चाहिए। हरे कृष्ण चैंटिंग से भी निकलता है, बट कितना हाई लेवल चैंटिंग, नाम भाषा चैंटिंग, और वो भी मिनिमम 16 माला। तो ये सब सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि जॉन्डिस हुआ तो हमें परहेज़ भी करना है और मेडिसिन भी खानी है। मतलब हमें कुछ चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे स्पाइसी फूड अवॉइड करनी है, ऑयली फूड अवॉइड करनी है, लेकिन साथ साथ मेडिसिन भी खानी है, तभी हम इस डिजीज कंडीशन से निकल पाएंगे। ओके, तो अब हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं, सपोज टॉलरेंस की बात होती है, मैं एक बार मैं लेक्चर सुन रही थी एक सिस्टर शिवानी की, जिसमें एक किसी ने लिखा था नीचे कि कितना टॉलरेट करें। हम तो टॉलरेट किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, सामने वाला चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, कितना टॉलरेट करें। एक पॉइंट पे तो लगता ही है हमें ना कि वी नीड टू स्टॉप, कि बहुत हो गया अब कितना। तो सिस्टर शिवानी जो ज्ञान दे रही है, दैट इज़ अमेजिंग, वो नॉलेज इज़ अमेजिंग। मैं आपको बीच का ब्रिज बना के दूंगी। जब तक हम वो आइडियल स्टेट में पहुंच नहीं पा रहे हैं, तब तक हम छटपटा रहे हैं, राइट? हमें तकलीफ़ हो रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो मैं आपके लिए वो ब्रिज बना दूंगी, वो बीच का स्टेप बना दूंगी कि उस पे कदम रखकर आप सिस्टर शिवानी के आइडियल स्टेट में पहुंच सकें। कृष्णा जो कह रहे हैं उसमें, वो स्टेट में पहुंचने के लिए मैं आपको एक स्टेपिंग स्टेप दे रही हूँ। तो इसको आप समझिए, मैं अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस करती हूँ, जो भी सीखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ वही आप लोगों को बताऊँ या सीखूँ, क्योंकि जब तक मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई, मैं आपसे नहीं बात कर सकती हूँ। किस कॉन्फिडेंस से मैं बात करूँ? तो अब ध्यान से एक सिचुएशन को लाते हैं दिमाग में। हम सबके सामने कोई ना कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन ले लो। बच्चे से बनती नहीं है, हस्बैंड से बनती नहीं है, सास से बनती नहीं है, बॉस से बनती नहीं है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, फिनेंशियल प्रॉब्लम है, किच 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 हो रहा है, दिमाग में शांति नहीं है, वॉट एवर वॉट एवर। ठीक, मतलब हम डिजीज स्टेट में हैं, कुछ सीड्स निकालने हैं हमें, क्योंकि जैसे ये सीड्स निकल जाएंगे हमें एकदम परमानंद का एहसास होगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ये चीज़ मैंने इंटर्न्स ग्रुप में समझाई थी, बट इसको जितने बार बार समझे तभी इम्प्लीमेंटेशन पार्ट आएगा। लेट्स टेक सिंपल वाला एग्जाम्पल लेते हैं। किसी ने आपके साथ ऐसी बात की जो आपको हर्ट हो गया, फर्स्ट रिएक्शन गुस्सा आता है ना, पेन आता है ना। अब आप नोटबुक में लिखिए, फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, प्लीज़ प्लीज़ लिखिए, सो दैट यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट। आप देखिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ पेन चला जाएगा, मेरा पेन जाता है। उस लेवल का सरेंडर लेकिन करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या समझना है, ये सृष्टि कृष्णा ने बनाई है, राइट? क्रिएटर ने बनाई है। अब उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ प्रॉपरली चले, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्योंकि वो परफेक्ट हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, भगवान परफेक्ट हैं, वो जो भी करेंगे वो सही होगा, कुछ गलत तो हो नहीं सकता। तो फिर से रिविजिट करते हैं, हमें ये सब ज्ञान पता है, पर थोड़ा डीपर लेवल में चलते हैं, क्योंकि अब डीपर लेवल का टाइम आ गया है। ऊपर ऊपर से पता है, अब डीपर लेवल में चलते हैं। जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमें अच्छा नहीं लगता, हो सकता है आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है कहीं पे, हो सकता है आपको गर्मी फेस करनी पड़ रही है, हो सकता है किसी का अब्यूज़ फेस करना पड़ रहा है, फर्स्ट स्टेप आप ये बोलोगे कि भगवान मेरा इतना सरेंडर है आपके चरणों में, मेरा इतना प्यार है आपके चरणों में, कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं यही डिज़र्व करती हूँ और मेरे साथ यही हो रहा है। आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए कुछ गलत हो ही नहीं रहा मेरे साथ। अगर मैं दुखी हूं, मतलब मैं कृष्णा को क्वेश्चन कर रही हूं। सोच लो ये बात को डीप में। अगर मैं दुखी होती हूं, मतलब मेरा मेरा कृष्णा के प्रति एक क्वेश्चन मार्क आ जा रहा कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, मतलब वो अन्याय होने दे रहे हैं।
क्या वो अन्याय होने दे सकते हैं? ये सृष्टि उनकी बनाई हुई है, क्या वो गलत चीज़ होने देंगे? क्या यही प्यार है हमारा कृष्णा के लिए? हमारा कृष्णा के लिए प्यार किस लेवल पे होना चाहिए कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, आई डिजर्व इट, कृष्णा ने सैंक्शन किया है, आई डिजर्व इट, आई लव यू कृष्णा, इतना आई लव यू कि मुझे ये पूरा भरोसा है कि अगर मैं ये डिजर्व नहीं करती, आप ये सिचुएशन, आप ये इंसान, आप ये सब कुछ मेरे साथ होने ही नहीं देते। लास्ट सेशन में मैंने बोला था ना, वो अंपायर है, नो बॉल नहीं होने देते। इतना सरेंडर लाओ कृष्णा के प्रति और एक्सेप्ट करो, फिर बोलो आई एक्सेप्ट दिस पेन, आई एक्सेप्ट दिस पेन खुश होके दिल से, आई रियली एक्सेप्ट दिस पेन, मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं है मन में, मेरे साथ हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, आई डिजर्व इट। और मुझे ये भी पता है कि आप जोर का झटका धीरे लगाते हैं, आपको तो यूनिवर्स के रूल्स फॉलो करने ही होंगे, आप तो पार्शियलिटी नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज कोई आपका नाम ले रहा है आप उसको इस तरह से तो माफ़ नहीं कर सकते हैं ना, तो जोर का झटका धीरे से तो लगेगा ही। जो मैंने कहा कि अगर, पहले मैंने बताया है कि अगर हम यूनिवर्स के हिसाब से फंक्शन करने लगते हैं तब हमारा कुछ परसेंट ऑफ कर्मा मैनिफेस्ट नहीं होता है, मतलब जो कुछ गलत कर्मा हमने किया जिसके वजह से हमें पेन आने वाला है इन फ्यूचर, वो नहीं होगा अप टू सम एक्सटेंट, मतलब जोर का झटका धीरे लगेगा, बट अप्रोच क्या होगा? सरेंडरिंग, कंप्लीट सरेंडर टू कृष्णा, कि कृष्णा मेरे साथ हो रहा है, आई एक्सेप्ट इट, फुल स्टॉप, नो सेकेंड थॉट, नो क्वेश्चन, दिस इज लव फॉर कृष्णा। कृष्णा का लव ये नहीं होता कि मैं सुबह से उठकर उनको लड्डू दे रही हूँ, अगरबत्ती जला रही हूँ, घंटी बजा रही हूँ, उनको सुला रही हूँ, उनको उठा रही हूँ, लाला लाला करके गाना गा रही हूँ, नहीं, वो ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे है, डीप लेवल पे, ट्रू लेवल पे जो ट्रू लव होता है वो है कि कृष्णा आप जो भी कर रहे, होने दे रहे हो मेरे साथ, आप नहीं कर रहे हो, मेरे कर्मा के वजह से हो रहा है, आप जो भी होने दे रहे हो मेरे साथ, आई डिजर्व इट, अगर मैं ये डिजर्व नहीं करती, ये मेरे अच्छे के लिए नहीं होता, मेरे ग्रोथ के लिए नहीं होता, आप नहीं करते, सो मैं नतमस्तक होकर आपके चरणों में अपना सर झुका कर कहती हूँ आई एक्सेप्ट दिस पेन, और दुखी होकर पेन एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, खुश होकर एक्सेप्ट कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं इस पेन को एक्सेप्ट कर लूंगी मेरा ग्रोथ हो जाएगा। कैसे इमेजिन करना अपने आप को कि हम ऑपरेशन टेबल पे लेटे हैं, हमें बहुत सारी गोलियां लगी है बॉडी में, हमारे सर्जन है कृष्णा, गोली निकालते वक्त पेन होगा, पर अगर गोली नहीं निकाला तो सेप्टिक हो जाएगा, अंदर पॉइजन फैल जाएगा, तो गोली तो निकालना है, पर गोली निकालते वक्त पेन तो होगा, कृष्णा हमारी वो गोलियां निकाल रहे हैं। अब हमारा सरेंडर क्या है कि उनकी मर्जी वो हमें एनेस्थीसिया दे या ना दे, बिना एनेस्थीसिया देकर ये काट के निकाल दे, या एनेस्थीसिया देकर उसको थोड़ा कम पेनफुली वो गोलियां हमारे बॉडी से निकले, और ये एनेस्थीसिया हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दैट विल बी आवर कर्मा एंड कृष्णा का विश। कृष्णा अगर चाहते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन जल्दी खत्म हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पाप जल्दी खत्म हो, वो बिना एनेस्थेशिया के निकालेंगे, मतलब हर एक गोली, मतलब हर एक सीड, हर एक लोअर इमोशन हमारे बॉडी से जो वो निकाल रहे हैं उसका पूरा पेन फील करा के निकाल रहे हैं, मतलब हमारा ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड कर्मा खत्म हो रहा है। तो हमारे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए या दुख, खुद सोचो, दिस इज द सरेंडर, इस तरह निकालना है कि हम लेट हैं, आओ निकालो भगवान, हम ऊ आ आउच भी नहीं करेंगे, हो सकता आंखों से आंसू गिरे, लेकिन आपके प्रति प्यार चेंज नहीं होगा, आपके प्रति समर्पण चेंज नहीं होगा। अब जिस चैनल ने हमें वो गोली मारी,
जिस बंदूक ने हमें वो गोली मारी, बंदूक के पीछे तो वो कर्मा था, पर जो चैनल था, जो बंदूक था जिसने हमें वो गोली मारी, मतलब जिसने हमें वो पेन दिया, क्या उस पे हाँ उसके लिए हम नफरत रखेंगे? नहीं ना, उसके लिए भी कोई नफरत नहीं, उसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे और प्यार ही जाएगा उसके प्रति, प्यार ही जाएगा। ये याद रखना है, जब हम हमारे मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में भी इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेंगे, 5 मिनट में पेन चला जाएगा। एक्सपेरिमेंट करके देखो आप, मैंने किया है एक्सपेरिमेंट, 5 मिनट में पेन गायब, यू विल नॉट फील पेन एट ऑल। ऐसा ऐसा वाला फीलिंग होगा, यू विल नॉट फील इट। लेकिन उस समय याद आना चाहिए, उस समय जब आपको पेन मिल रहा है तब याद आना चाहिए, दिस इज आवर टेस्ट, ये करना है। अब हम आते हैं उस बात पे, सपोज हमने पेन को एक्सेप्ट कर लिया, फाइन, लेकिन फिर भी वो चैनल कंटिन्यूसली हमें पेन दे रहा है, तो हमें क्या समझना है? जैसे एक स्कूल में बहुत डिफरेंट टाइप के टीचर्स होते हैं, कोई फिजिक्स सिखा रहा है, कोई मैथ सिखा रहा है, कुछ भी, तो हर एक जो सीड को निकालने के लिए जो चैनल आएगा, वो सिखा कर चला जाएगा, हम उससे अटैच नहीं हो सकते। उसका जितना काम है उस समय वो सिखाना, फिजिक्स में जो सिखाना था उस टीचर ने वो सिखा दिया, उसका काम खत्म। अब हम हायर लेवल पे चले गए, नेक्स्ट क्लास में चले गए, वो सेम टीचर हमारा नहीं होगा, कोई दूसरा टीचर होगा जो हमें कुछ दूसरा सिखाएगा। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? द लेसन, द चैनल इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम ये तब से सोच रहे हैं कि चैनल में चेंज आ जाएगा, चैनल हमारे साथ प्रॉपरली बिहेव करने लगेगा या लगेगी, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज उस चैनल का पर्पस था वो सीख हमें दे दे, हम वो सीख लें, पर्पस फिनिश। उसके बाद कर्मा डिपेंड करता है या फर्दर कार्मिक अकाउंट्स डिपेंड करते हैं, फर्दर कार्मिक लेसन्स डिपेंड करते हैं। कभी कभी एक क्लास टीचर 4 सब्जेक्ट भी सिखाते हैं, तो वही इंसान आपको और भी कुछ सिखाने के लिए वेट कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। और कभी कभी एक टीचर एक ही सब्जेक्ट सिखाता है। तो बात को समझो, वो चैनल घूम फिर के आपके लाइफ में फिर से आ सकता है नेक्स्ट चीज सिखाने के लिए। विल यू गेट अटैच टू द चैनल? विल यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द चैनल? नहीं, फोकस कहाँ है? लेसन पे। अगर आपको सीखना था टू बी कंपैशनेट, नॉट टू ओन और पजेस, नॉट टू बी जेलस, आपने वो लेसन्स आपको सीख लेना है, फिर आप वो चैनल से गले लग कर लटक नहीं सकते कि अब तो तुम नहीं जा सकते मेरे जीवन से, मैंने तो सीख लिया है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। उसको रहना होगा, फर्दर सिखाने के लिए वो रहेगा, नहीं रहना होगा वो फर चला जाएगा, यही यूनिवर्स चल रहा है। तो अपने आप को डिटैच वे में सीखो। अभी मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है अगर मैं ये चीज़ सीख लूँ तो मेरे जो चैनल मुझे पेन दे रहा है वो सुधर जाएगा, वो मुझे पेन नहीं देगा, वो मुझे प्यार देगा। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, रियलिटी चेक बता रही हूँ आपको। फिजिक्स टीचर है सोचकर, फिजिक्स टीचर ने सिखा दिया, फिजिक्स टीचर चला गया दूसरे क्लास में दूसरा काम सिखाने के लिए। अब बायोलॉजी टीचर आएगा, बायोलॉजी सिखाएगा, फिर मैथ्स टीचर आएगा। अब आप कितने टीचर्स से गले मिलकर लटक के रहोगे? हैंकरिंग इफेक्ट, हैंकर करना है। ये सारा तो हो गया, समझ में आ गया बात, अब करना कैसे है? रूपाली, तुम तो ये बहुत दिनों से बोल रही हो, ये सारा हमें समझा भी रहे, पर हम कर नहीं पा रहे। अब मैं सिखा रही हूँ करना कैसे है, अब फोकस करो। हम कहते हैं हमारे बच्चों को ले लो, यूजुअली सबके पास बच्चे हैं, जो जिनके नहीं, माँ बाप को ले लो। जब हम कहते हैं आई लव माई चाइल्ड बट आई कैन नॉट टॉलरेट हिज बिहेवियर और हर बिहेवियर, इसका मतलब क्या होता है? बिकॉज हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, पर वो जब शैतानी करते हैं हम टॉलरेट नहीं कर पाते, हमें गुस्सा आ जाता है, शायद हम डांट देते हैं, पीट देते हैं, वॉट एवर, तो फिर वो प्यार हुआ क्या? नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हो पा रहा? पर हमें तो लगता है हम प्यार करते हैं। ये इसीलिए नहीं हो पा रहा है बिकॉज आई डोंट लव द वन
हु हैज टू टॉलरेट, हम खुद से प्यार नहीं कर रहे। टॉलरेट किसे करना है? हमें करना है, पर क्या हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आपको लगता आप कर रहे हो? गलत फहमी हटा देती हूँ अभी। क्या होते हैं स्टेप्स टू लव वन सेल्फ? देखो, सपोज आपका लैपटॉप से आपका जो चार्जिंग केबल लगा है कहीं एक सॉकेट पे, लेकिन आप देख रहे हो आपका लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है। आप हर तरफ देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा वो जो केबल लगा है सॉकेट पे, आप सॉकेट चेक कर रहे हो, आप पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई चेक कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बट एक्चुअली जो फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज लैपटॉप से जो वो कनेक्शन हुआ है वो ढीला है। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, तब वो उसको आपने टाइट कर दिया, उसको आपने फिक्स कर दिया ना, तभी आप देखोगे आपकी लैपटॉप चार्ज होने लगी है। मतलब हम अपने आप से सेल्फ लव नहीं करते, जब हम खुद से नहीं करते, हम दूसरों से कहाँ से करेंगे? हम ऊपर ऊपर से जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, हाउसवाइफ्स कहती हैं, मैं इस मैरिज में हूँ बिकॉज ऑफ माई किड्स, वरना मैं तो कब का छोड़ देती, डिवोर्स कर देती। या कोई हस्बैंड कह रहा है, मैं इस मैरिज में हूँ बिकॉज ऑफ माई किड्स, वरना मैं कब का छोड़ देता। क्यों हो जाता है एक पॉइंट यहाँ पे? बिकॉज क्या हो रहा है, स्टार्टिंग से जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं, सपोज करते, सभी लोग कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं रिलेशनशिप को संभाल के रखने के लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तब वो किस किस मेंटालिटी से करते हैं? ये करने से उसको खुशी मिलेगी, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका मन बिल्कुल नहीं है बैगन का भरता बनाने को, पर आपके हस्बैंड ने बोला आज मुझे बैगन का भरता खाना है, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हो, आपका मन नहीं हो रहा, लेकिन आपने बैगन का भरता बनाया जैसे तैसे रेंग रेंग के। अब आपके मन में क्या बैठ गया? आई वेंट आउट ऑफ द डे, आउट ऑफ द वे फॉर दिस पर्सन। ये बन गया एक बोझ आपके रिलेशनशिप पे, एक ग्रज। ऐसे ही आप डे इन डे आउट, डे इन डे आउट बहुत कुछ कर रहे हो। जैसे आपके हस्बैंड को बिल्कुल मन नहीं है आपको साड़ी खरीद के देने की, उनका पूरा मंथली बजट बिगड़ गया है, पर आपको शादी में जाना है। आपने हस्बैंड से कहा मुझे तो साड़ी खरीदनी होगी, उन्होंने आपके खुशी के लिए साड़ी खरीद के दी, ये सोचकर अच्छा कोई बात नहीं छोड़ो, इस बार मैं दवाइयाँ अपने लिए नहीं खरीदूंगा। दिस इज अ गुड एक्ट, बट क्या हो रहा है, वो प्लग लूज है, क्योंकि वो लग रहा है मैं उस इंसान के लिए कर रहा हूँ, उसके खुशी के लिए कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये करते 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 एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि मैंने इतना किया इतना किया इतना किया, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, पेन वैसे का वैसे ही है रिलेशनशिप में। क्यों हो रहा है ये? बिकॉज हम एक सेंटेंस ऐड करना भूल जा रहे हैं, मैंने बैगन का भरता बनाया, इससे मेरे हस्बैंड को खुशी मिली, मेरे हस्बैंड की खुशी में मेरी खुशी। जब आप अपनी खुशी को उसके साथ लिंक कर दोगे, आप देखोगे कोई बोझ ही नहीं है लाइफ में, कोई रिलेशनशिप में बोझ ही नहीं है। जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं वो बोझ फील होता है? आप जब अपने आप को सुंदर बनाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाते हो, आपको बोझ फील होता है कि यार 2 घंटे मेरे चले गए मेरे चेहरे को मालिश करने में? होता है? नहीं होता ना। लेकिन अगर यही आप अपने सास को लेकर जाओ ब्यूटी पार्लर, वहां पर आपको बैठे रहना पड़े, आपको कैसा फील होता है? उफ, इस 2 घंटे में मैं ये कर लेती वो कर लेती। तो समझो, इस चीज को बहुत बारीकी से समझो। जब हम कुछ करते हैं ये सोचकर कि मैं उसके लिए कर रही हूं या उसके लिए कर रहा हूं, वो हमारे लिए बोझ होता है। लेकिन अगर हम उसको इस वजह से लिंक करें कि मैं जो कर रही हूं अपने लिए कर रही हूं, आज अगर मैं इस शादी में हूं अपने लिए हूं, बिकॉज मेरे हस्बैंड के और मेरे बच्चों की खुशी में मेरी खुशी, आज मैंने अगर जॉब सेक्रीफाइस किया है मेरे हस्बैंड के लिए, वो मैंने अपने लिए किया है, बिकॉज अगर मैं नहीं करती तो शायद हम लोग अलग अलग रहते, तो मैं खुश नहीं रहती, मेरे हस्बैंड भी खुश नहीं रहते। तो ये एहसान जो हम किए जा रहे हैं दूसरों पे, अगर हम उसको एहसान वाला फीलिंग लाएंगे तो हम कभी भी खुश नहीं होंगे। अब ये जो हम खुश नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है सामने वाला खुश हो रहा है? नहीं हो रहा। आप क्या एनर्जी रेडिएट कर रहे हो? आपने जो बैगन का भरता बनाया मर मर के,
वो आपके हस्बैंड ने वो खाया, बट क्योंकि वो एनर्जी सही नहीं थी ना, एनर्जी था ऑफ एहसान, एनर्जी था कि यार मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ जबकि मेरा मन नहीं है, वो उनके सोल स्ट्रेंथ या आपके रिलेशनशिप को मजबूत नहीं बनाएगा, वो आपके रिलेशनशिप को डिप्लीट करेगा, भले एक्सटर्नली बाहर से आपने वो चीज़ की हो। सेम फॉर हस्बैंड्स, जो हस्बैंड्स एहसान जताते हैं ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया ये किया, मैंने तुम्हारे पिताजी के लिए ये किया, मैंने तुम्हारे भाई के लिए ये किया, उसको ज़रूरत थी तब मैंने ये सब किया, आपको लगता है कि आपकी वाइफ उस चीज़ को अप्रिशिएट करेगी? नहीं करती है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मेरे लिए तुम्हारी स्माइल इम्पॉर्टेंट है जानू, प्रियतमा तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूँगा, तुम्हारे माँ बाप भी तो मेरे माँ बाप हैं, वो खुश रहेंगे तो तुम खुश रहोगी, तुम खुश रहोगी तो मैं खुश रहूँगा, जस्ट चेक द एनर्जी, दिस विल एम्पावर योर रिलेशनशिप, दिस विल स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। तो आज से अपने आप को समझाओ कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, क्यों चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, इतना सब एक्सटर्नली आप बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, ये ब्लेस कर रहे हो, वो कर रहे हो, ब्रिलियंट वाले डाल रहे हो, गोल्ड डाल रहे हो, पिंक डाल रहे हो, फॉरगिवनेस साधना कर रहे हो, सब कर रहे हो, पर वो स्टार्टिंग का कनेक्शन ही लूज है। एंड दैट इज, दिस इज सेल्फ लव, ये सेल्फ लव है, ये समझो। अब हम आते हैं, तो क्या हो रहा है, अब हम आते हैं एक्सेप्टेंस पे। जब हम कहते हैं कि हम सामने वाले को एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ही इज और एज शी इज, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं लव नहीं हो सकता है, देखो। पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्यों? बिकॉज हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम खुद के एक्सेप्टेंस पे अब आते हैं, तीन चार स्टेप्स हैं देखो सेल्फ लव के। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस, लिखो, प्लीज राइट इट डाउन। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ डजेंट मीन दैट आई एम परफेक्ट एंड आई डोंट नीड टू चेंज। ये मत सोचो कि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया मतलब मैं परफेक्ट हूँ, मुझ में कोई चेंज की ज़रूरत ही नहीं है। एक्सेप्टेंस होता है फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमको खुद को चेंज करना है ना, देखो हमने क्या किया, अभी बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें की है, बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें की हैं हमारी रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग के लिए, ठीक की है, की है। बट जब तक सेल्फ लव नहीं आएगा ना, हम दूसरे रिलेशनशिप्स में चेंज नहीं ला पाएंगे। ये पूरी बात पहले समझ लो, सुन लोगे ना तब आपको समझ में आएगा, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है मुझे पता है, लेकिन ये पूरी बात को आप पहले सुन लो, फिर दोबारा से ये मेरा ऑडियो फिर से सुनो, तब आपको समझ में आएगा। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ विल बी द फर्स्ट सेंटेंस, मैं अपने आप को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूँ। आई एक्सेप्ट दैट टिल दिस प्रेजेंट मोमेंट, मैंने जो भी किया है उस सबको मैं एक्सेप्ट करती हूँ। इसका मतलब है मेरे अंदर ना गिल्ट है, ना एंगर है, ना हेट्रेड है, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, मैं स्टेबल हो जाऊंगी और मेरा डिप्लीशन बंद हो जाएगा, एनर्जी जो लीक हो जा रही है ना वो लीकेज बंद हो जाएगी। मतलब अब तक जो भी हुआ है, जो भी मैंने, जो भी टाइप ऑफ मैंने थॉट्स क्रिएट किए हैं, गलत थॉट्स ही, सही गलत जो भी थॉट्स मैंने अब तक क्रिएट किए हैं, अभी तक के प्रेजेंट मोमेंट तक मैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करती हूँ। उन गलत थॉट्स के लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी, उन जो भी कुछ मेरे साथ हुआ मैं ही रिस्पॉन्सिबल थी, और ये सब चीज़ों को मैं पहले एक्सेप्ट करती हूँ। इससे क्या होगा, वो जो चेन ऑफ रॉन्ग थिंकिंग है ना वो स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज वो चेन ऑफ रॉन्ग थिंकिंग हमारा डिप्लीटर है। जब हम खुद के बारे में गिल्टी फील करते हैं ना, जब हम खुद को सोचते हैं यार शायद उस समय मैंने ये किया होता तो ठीक होता, यार मैं तो इम्प्रूव ही नहीं कर रही हूँ, यार मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझ में तो ये कमियाँ हैं वो कमियाँ हैं, ये सब क्या है, इट्स नॉट हेल्पिंग यू। हाँ, गिल्ट फीलिंग की ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझ मेरे अंदर चेंज की ज़रूरत है, बस उतना तक गिल्ट फीलिंग होना चाहिए कि आई नीड टू चेंज, क्योंकि इस वजह से तो नहीं हो रहा, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं, मैं खुद मेरे अंदर दुख फील हो रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट है तक हमारे अंदर, क्या हमारे अंदर शांति है, क्या हमारे अंदर शांति है, नहीं है। शांति नहीं है मतलब समथिंग हैज़ टू चेंज, हम दूसरों को चेंज नहीं कर सकते, हमें खुद को चेंज करना है।
खुद को चेंज करने में फर्स्ट स्टेप है कि पहले खुद को एक्सेप्ट तो करो, पहले खुद को एक्सेप्ट करो कि मैं ये हूँ, मैंने जो भी थॉट फॉर्म्स क्रिएट किया है, जैसे भी मेरी मेंटेलिटी है, मैं ये हूँ अभी तक, इस प्रेजेंट मोमेंट तक जो भी मैंने किया है, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। डिप्लीशन को स्टॉप करो, मतलब एनर्जी लीकेज को स्टॉप करो, क्योंकि अगर मैं चेंज होना चाहूँ भी तो भी मैं चेंज नहीं हो सकती अगर मेरी एनर्जी कम हो जाए तो, सोल स्ट्रेंथ कम हो जाए तो। क्या बोलो, फर्स्ट स्टेप बोलो, आई सिट विथ माई सेल्फ एंड से ओके, आई क्रिएटेड ऑल दिस एंड इट इज पास्ट एंड आई एक्सेप्ट इट। मैंने ये क्रिएट किया और ये पास्ट है और मैं इसे एक्सेप्ट कर रही हूँ। हो गया, स्टेबल हो गया माइंड, खुद को एक्सेप्ट कर लिया, सोच लो एक बार, कर लिया, खुद के मन को बोल दिया ठीक है जो भी हुआ हुआ, मैंने जो भी किया किया, आई एक्सेप्ट इट, नाउ आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। अब आगे क्या करना है मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो जब आप ये करोगे ना, आपके अंदर जो इंटरनल कन्वर्सेशन चल रहा है ना, सबके मन में चलता है, आप कंटिन्यूसली एक्सप्लेनेशन देते रहते हो सामने वाले को, राइट, कंटिन्यूसली, अरे तूने नहीं देखा मैं तो ये मीन कर रही थी, अरे तुझे नहीं समझा, तुझे मेरा प्यार नहीं दिखा, तुझे मेरा केयर नहीं दिखा, तुझे मेरे एफर्ट्स नहीं दिखे, हाय दैया तूने क्या कर दिया, ये चलता रहता ना जब कोई अनवांटेड सिचुएशन होती है, कि तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम क्या हो मेरे लिए, ये सब बकवास चलता रहता ना, कितना चलता है, सारा दिन चलता है। जैसे ही आँख खुल जाती है शुरू हो जाता है, कुछ नहीं तो मेड सर्वेंट के साथ भी शुरू हो जाता है कि मैंने तुझे दिवाली पे बख्शीश दिया, साड़ी दी, फिर भी तूने आज मेरे घर पूजा थी तू नहीं आई, तूने ऐसा कैसे किया, मैंने तेरे को कुछ तेरे बच्चे के लिए लड्डू भेजा, राइट, ये हम सब के साथ चलता है इंटरनल कन्वर्सेशन। और जब हमें पता है कि हम गलत हैं तब तो, अरे बाप रे बाप, तब तो हमारे साथ इंटरनल कन्वर्सेशन चलता है। तो सबसे बेस्ट है हमारे मन के इंटरनल कन्वर्सेशन को बंद करने के लिए इज टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट द पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, एक्सेप्ट द सिचुएशन, और सबसे पहले एक्सेप्ट माई सेल्फ। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग द रिलेशनशिप विथ माई सेल्फ। जब हम अपने साथ हमारी रिलेशनशिप को ठीक करेंगे तभी हम दूसरों के साथ हमारी रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं। जब तक हम खुद के साथ रिलेशनशिप को ठीक नहीं कर रहे, हम दूसरों के साथ नहीं कर सकते हैं, फिर वो क्या हो जा रहा है ना, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से हो जा रहा है, वो राइट एनर्जी नहीं जा रही। एक सूखा कुआं कहाँ से दूसरे को पानी देगा, नहीं दे सकता वो पानी, जब बाल्टी खाली हो हम नहीं दे सकते। ये मैं कितने सारे लेक्चर से समझाया जा रही हूँ, पर इसको डीप डीप एक एक स्टेज में समझना पड़ता है। मैं भी अभी अभी समझ रही हूँ बहुत सारी बातों को, ऊपर ऊपर समझ गया था पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, एंड देन आई वॉज सीइंग कि चेंज नहीं आ रहा है। अब आई कैन सी कि कहाँ पे गलत हो रहा था, वो लूज कनेक्शन समझ में आ गया। आई कांट लव समवन हुम आई डोंट एक्सेप्ट। आप किसी को प्यार नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। आप एक जगह बोल रहे हो कि मुझे उसकी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, दूसरे तरफ बोला आई लव यू नहीं होता। सपोज आपको किसी ने हर्ट किया, अंदर आपको कुड़कुड़ी हो रही है, उसने ऐसा बोल दिया, अच्छा नहीं किया उसने, अच्छा नहीं किया, आई लव यू बट बेटा, आई लव यू सो मच, वो क्या हो गया, आपने एक गंदे से गार्बेज के ऊपर एक अच्छा सा प्लास्टिक का ब्यूटीफुल सा कवर चढ़ा के उसको दे दिया। इट विल नॉट हेल्प ना, ये सब एनर्जी का खेल है, इट इज़ ऑल एनर्जी। आप क्या एनर्जी दे रहे हो, आप एक नॉन एक्सेप्टेंस का एनर्जी दे रहे हो कि तुझ में ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, बट फिर भी आई लव यू, इज इट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। एक्सेप्टेंस होता है तुझ में कुछ भी नहीं है, तू जैसा है वैसा है, आई लव यू, खत्म, कोई फॉल्ट वॉल्ट से मुझे चक्कर में जाना ही नहीं है, वो तेरा कार्मिक अकाउंट, वो तेरा ग्रोथ, वो तेरे स्पिरिचुअल मास्टर समझे, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, बिकॉज मेरा टॉलरेंस लेवल इतना ज़्यादा है एंड आई एम नॉट एबल टू टॉलरेट। मैं टॉलरेट इसीलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि पहले टॉलरेंस मेरे अंदर होनी चाहिए ना, वो ही नहीं हो पा रहा है वो लूज कनेक्शन के वजह से। तो फर्स्ट हम ये अपने अंदर लाएंगे। तो क्या होता है,
व्हेन आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, हमारी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है खुद के साथ. हमारी खुद के साथ एक रिलेशनशिप है ना, वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. देन आई लर्न टू बी ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ, हम खुद से सच बोलने लगते हैं, हम ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, हम खुद को जानने लगते हैं. क्या हम खुद को जानते हैं? शांत दिमाग से बैठ के सोचो, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ. पूछो ये क्वेश्चन, टेक फ्यू सेकेंड्स ऑफ टाइम, आस्क योर सेल्फ, मैं कैसी हूँ. क्या आंसर आता है आपको? क्या आप खुद को जानते हो? मुझे कोई कुछ पूछता है कि हाउ आर यू, मैं कहते हैं हॉटी नॉटी बेब इन टाउन. मेरी बात और है. लेकिन एक्चुअली जब मैं खुद के साथ बैठती हूँ और खुद को पूछती हूँ कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, तब मुझे दिखते हैं मेरे फ्लॉज, मुझे मुझे दिखते हैं मेरे रॉन्ग थॉट्स, जिसके वजह से मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम हुआ हो या मुझे लाइफ में प्रॉब्लम हुआ हो. जब इतने सारे गड्ढे दिखते हैं मेरे चेहरे पे, इतने दाग दिखते हैं, तो क्या मैं खुद से प्यार कर पाऊंगी? नहीं ना. तो फिर मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा उन वो दाग वाले चेहरे को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, दाग वाला चेहरा ही है, चांद सा चेहरा है पर चांद में भी दाग होता है, दाग वाला चेहरा है, इन दागों को मैं मिटाऊंगी, पर पहले मैं एक्सेप्ट तो करूं. फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा शायद साइकिल चला रहा था, गॉड फॉरबिड, गिर गया, गिर गया, पूरा कीचड़ लथपथ हो गया, लेकिन पैर में उसकी चोट आ गई है, रो रो के आपके सामने आ रहा है. अब आप उसको बोलोगे, रुक, पहले तेरे को मैं नहलाऊं, फिर मैं दवाई लगाऊं, फिर तुझे गले से लगाऊंगी, कि आप पहले उसे गले से लगा लोगे कि तू इधर आ, पहले आ मेरे पास, फर्स्ट यू नीड लव, पहले यू काम डाउन. उसी तरह हमें अपने आप को भी गले से लगाना है. चेहरे पे दाग है, कीचड़ है, बट इट्स ओके, यही तो साफ करने के लिए हमने जन्म लिया है ना यहाँ पे. तो खुद को गले से लगाओ, अपने आप को अपने सामने इमेजिन करो. सब लोग अभी इमेजिन योर सेल्फ, देखो अपने आप को, रियलिटी देखो, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, बी ट्रांसपेरेंट. बहुत स्ट्रगल्स के थ्रू आप गुजरे हो, बहुत पेन फील किया है, कुछ कुछ गलतियाँ हुई है, चेहरे पे दाग है, दिल पे खरोच है, बट आ गले लग जा, मैं गले लगाती हूँ तुझे, आ गले लगा लो, अपने आप को जादू की झप्पी दे दो. देखो, एक गहरी सांस लो और रिलैक्स कर दो खुद को. इट्स ओके, इट्स ओके. अब बोलो, आई एम अ प्योर, पावरफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल बींग. रिपीट करो, अपने आप को गले लगा के बोलो, आई एम प्योर, पावरफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल बींग. अब क्या हो गया? मेरा फोकस कहाँ चला गया? मेरे स्ट्रेंथ पे चला गया. इसके पहले तक वीकनेसेस पे था, अब स्ट्रेंथ पे चला गया. आई लर्न टू अप्रूव माई सेल्फ. अब हम खुद को अप्रूव करने लगे हैं. ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, टू अप्रूव माई सेल्फ. बिकॉज अगर हम खुद को अप्रूव नहीं करते हैं, हम कंटिन्यूसली दूसरों के अप्रूवल के लिए बेग करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं. वी कीप बेगिंग दूसरों के अप्रूवल. हाँ, खाना कैसा बना? अच्छा, टेस्टी बना. अच्छा, नमक तो कम नहीं था ना? अप्रूव करो, तुमने टेस्ट किया ना पहले? देने से पहले सभी लोग टेस्ट करते हैं, यू लाइक द टेस्ट, दैट्स इट. क्या जरूरत है दूसरों से पूछने की कि खाना कैसा बना? आपने अपने हिसाब से साड़ी खरीदी, साड़ी पहन के आपने देखा आप अच्छे दिख रहे हो, हस्बैंड को जाके पूछने की मैं कैसी लग रही हूँ? अगर हस्बैंड बोला ओ चकाचक, तब जाके आपके चेहरे पे स्माइल आएगी. वाई वाई? बिकॉज वी डोंट अप्रूव आवर सेल्फ, इसलिए हम भीख मांगते रहते हैं सबसे. और जब हमें दूसरों से ये भीख मिलती नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं. वो गाना है ना, दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, हमें प्यार दे, अमिताभ बच्चन का गाना है, बचपन में सुना था, मेरा फेवरेट है.
वो उसको चेंज करते हैं, दे दे प्यार दे दे नहीं, दे 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 दाता के नाम नहीं, भीख नहीं मांगना है, ले ले प्यार ले, जितना प्यार है प्यार ले हमसे, पर पहले खुद को प्यार देते हैं हम, पहले खुद को प्यार देते, खुद को अप्रूव करते हैं, दिस विल एम्पावर आई माई सेल्फ, हम खुद को एम्पावर कर रहे हैं, आई एम अ पावरफुल पीसफुल ब्लिसफुल बींग, बार बार रिपीट करो, लिखो ये सेंटेंस, दिन में 10 बार बोलो, आई एम अ पावरफुल पीसफुल ब्लिसफुल बींग, आई एम पीस, आई एम लव, आई एम ब्लिस, आई एम प्योर, हम प्योर है, हम सारे सोल्स हैं, हमारा ये ओरिजिनल क्वालिटी है, सोल इज ऑलवेज प्योर, अ सोल कैन नॉट बी पर मे नॉट बी परफेक्ट बट अ सोल इज प्योर, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हर एक सोल है, इसके ऊपर जो कचरा लगा है इसके वजह से हमें लगता है कि इतने सारे उस पर दाग धब्बे हैं, वो कचरा साफ कर देंगे ना, साफ हो जाएगा, पर पहले ये अप्रूवल ज़रूरत है, खुद को एम्पावर करना ज़रूरत है, आज अगर तुमने जॉब छोड़ा है किसी रीज़न से, ये तुम्हें जॉब नहीं करनी है, आपको दूसरों के व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हें बोले तुमने ये गलत किया सही किया, कौन मांग रहा है तुमसे सजेशन, कौन मांग रहा है, हेलो अपना देखो, सीधा मन में बोलना, चलो निकलो पतली गली से, क्योंकि हम दूसरों के अप्रूवल्स के लिए हमेशा वेट करते रहते हैं, तो दूसरे लोग अपना ओपिनियन भी देते हैं, उससे हम दुखी भी होते हैं, अगर हमें कोई आके बोला तू बहुत मोटी दिख रही है, तेरे से पूछा पूछा क्या, नहीं ना, ये एटीट्यूड रखो अपने अंदर, और जब भी ऐसा कोई तुम्हें कुछ गड़बड़ बात बोले फट से, आई एम प्योर पावरफुल पीसफुल ब्लिसफुल बींग, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम हैप्पी, आई रेडिएट लव, आई एम लव, आई एम पीस, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट लव नहीं, कुछ वॉन्ट फॉन्ट नहीं, अब आई एम पीस, आई एम लव, आई एम पावरफुल, आई एम ब्लिसफुल, आई एम प्योर, आई एम ब्यूटिफुल, इस तरह खुद को अप्रूव करना स्टार्ट करो, 90% प्रॉब्लम इसी वजह से होता है, इसीलिए तो वो हैंकरिंग इफेक्ट होती है ना, हमारा बॉस हमारी तारीफ कर दे तो खुश, हमारे बच्चे हमें बोल दे आ तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया खुश, हमारे हस्बैंड बोला आज तो तुम बहुत अच्छी दिख रही हो हम खुश, कब तक, और जब वो नहीं बोलते हैं तब क्या होता है, महाभारत, तुम्हारा तो कुछ चक्कर चल रहा होगा कहीं बाहर, आजकल तो मैं तुम्हें सुंदर नहीं दिखती हूँ, इज़न्ट इट, मेरे बच्चे आजकल मुझे पसंद नहीं करते, इग्नोर करते हैं, नहीं कर से कर, तुम तो खुद को पसंद करो, वो ना करते ना करते वो उनका प्रॉब्लम, तुम तो खुद को पसंद करो, ये स्ट्रेंथ लाओ अपने अंदर सब लोग, जब ये स्ट्रेंथ अपने अंदर लाओगे तभी इम्प्रूव कर पाओगे, समझे, तो क्या हो जाता है, वी शिफ्ट इन टू टेकिंग मोड इंस्टेड ऑफ गिविंग मोड, जब हम वो पावरलेस फील करते हैं, जब हम बैक करने लगते हैं, जब हम खुद को अप्रूव नहीं करते हैं, और जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को जानते हैं, खुद को अप्रूव करते हैं, हम एम्पावर करते हैं, और ये एम्पावर करने के बाद जो हमें स्ट्रेंथ मिलती है, उस स्ट्रेंथ से फिर हम इम्प्रूव करते हैं, आई बात समझ में, क्यों इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 स्टेप्स नहीं हो रहे, तो क्या है, लिखो, एक्सेप्ट माई सेल्फ, नो माई सेल्फ, अप्रूव माई सेल्फ, एम्पावर माई सेल्फ, जैसे ये हो गया, अब स्ट्रेंथ मिल गई, नाउ वी स्टॉप ब्लेमिंग एंड क्रिटिसाइजिंग एनी वन एल्स, अब हम किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, और हम स्टेबल रहेंगे कोई भी सिचुएशन में जो बाहर है, तो क्या हो गया फिर, रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए कि नहीं, सिचुएशंस इंप्रूव हो गए कि नहीं, तब फर्क पड़ेगा कि बॉस ने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, अभी भी कोई बोल रहा है तो आप गड्ढे में गिर रहे हो कि नहीं, दुखी हो रहे हो कि नहीं, रो रहे हो कि नहीं, ये फिर बंद हो जाएगा, दुखी होना बंद हो जाएगा, रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपकी बाल्टी या आपका कुआं ऊपर तक इतना लबालब भरा रहेगा ना कि फिर आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने एक वीडियो लगाया था फेसबुक में, उसमें था कि अपने कप में इतना प्यार भरो कि कप से जो छलक कर प्लेट में जो सॉसर में जो गिर रहा है वो लव, उस सॉसर में जो लव गिर रहा है वो लव तुम दूसरों को दो, समझे, मतलब अपने आप को इतना भर दो प्यार से कि तुम्हें किसी और के प्यार की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन वो भी ओवरफ्लो होके, जो तुम्हारा जो लव खुद के लिए है, वो जो ओवरफ्लो होके सॉसर में जो गिर रहा है वो ओवरफ्लोड लव से तुम दूसरों को बांटो, दिस इज वॉट यू शुड डू,
दिस इज वॉट यू शुड डू। और एक वीडियो लगाया था कि जब आपने नींबू शरबत बनाया, लेमनेड, और थोड़ा गलती से ज़्यादा नींबू डाल दिया, उसमें से आप नींबू तो निकाल नहीं सकते अब, तो क्या करना है, पानी डालना है, डाइल्यूट करना है। तो अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन हो गई है आपके लाइफ में, कुछ गलतियां हो गई है आपके लाइफ में, जिसको अब आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो क्या करो, उसी पे ध्यान ना देकर पॉजिटिव एक्शंस करते रहो, कीप डूइंग पॉजिटिव एक्शंस, कीप डूइंग पॉजिटिव एक्शंस, लेकिन इस इंटेंशन से नहीं कि वो चैनल चेंज होगा, तब आप डोरमेट बन जाओगे, समझो। अब बोलो है यार रूपाली, अभी तक लव 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 बोल रही थी, अब ये डोरमेट क्या? देखो यार, प्रैक्टिकल होना है। अग्रीड, आइडियल सिचुएशन हमें समझ में आ रहा, आइडियल हमारे अंदर लव रहेगा, ये रहेगा, और हम टॉलरेंट टॉलरेंस बहुत रहेगा, सब कुछ ठीक है। क्या वो रातों रात हो जाएगा? हाँ, रातों रात हो सकता है क्या? टाइम लगेगा ना, पर इस टाइम के इसमें हमारा फोकस अगर राइट हो, फोकस क्या है, हम खुद को चेंज कर रहे हैं। खुद को क्यों चेंज कर रहे हैं? सामने वाले का प्यार पाने के लिए नहीं, हम खुद को चेंज कर रहे हैं बिकॉज दिस इज वाई वी हैव टेकन बर्थ। ये प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। अगर आप सोच रहे हो आप खुद को चेंज करोगे, तो जो आपके हस्बैंड ने जो लास्ट 20 साल से आपको प्यार नहीं करते, वो अचानक से आपको लव यू डार्लिंग बोलेंगे, तो नहीं, दिस इज नॉट द एम। 20 साल से जिस इंसान ने आपको प्यार नहीं किया, वो आपको अभी लव यू डार्लिंग बोले भी तो क्या? आपने खुद से प्यार किया क्या? खुद को बोलो लव यू डार्लिंग। अब बी वेरी प्रैक्टिकल। देखो, स्पिरिचुअलिटी ना प्रैक्टिकलिटी के साथ करो ना, तो फिर ठीक है। स्पिरिचुअलिटी करके एकदम आप वो टाइप के हो जाओगे कि हाँ, आप तो बस सब सब लोग मुझसे ये करने लगे, वो करने, नहीं, वो हो सकता है, अगर हुआ तो बोनस। अगर आपका चैनल आपको प्यार देने लगा तो इट इज़ बोनस, बट एम ये नहीं है कि चैनल को चेंज करना है। एम है कि खुद से प्यार करना है और खुद अब किसी और को तकलीफ नहीं देनी है। हमारा एक एक थॉट, एक एक वाइब्रेशन सामने वाले को तकलीफ देता है। जैसे मैंने बोला ना, आपने बैगन का भरता बनाया, लेकिन आपका थॉट क्या था कि मैं उसके लिए बना रही हूँ, वो तकलीफ वाला एनर्जी पहुंच गई उसके पास। फिर आपका टेस्ट, कितना भी टेस्टी बैगन का भरता हो, जो एक्चुअली हेल्प कर सकता था उस रिलेशनशिप को, वो नहीं करेगा। इसलिए 15 साल 20 साल बाद भी डिवोर्स के लिए लोग फाइल करते हैं। क्यों? बिकॉज वो 15 साल 20 साल उन्होंने किया है, बहुत किया है, दे हैव ट्राइड, पूरे दिल से किया है, लेकिन किस थॉट से किया है कि मैं उसके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या बच्चों के लिए मैं कर रही हूँ। नहीं, जब तक आप इस चीज़ को नहीं बोलते हो कि मैं मेरे लिए कर रही हूँ, तब तक वो आपके लिए बोझ बनेगा और आपको लगेगा मैं कितना करूँ और कितना करूँ और कितना टॉलरेट करूँ और कितना खुद को धरती पे वो करूँ, झुका दूँ और कितना सर झुकाऊँ। फिर ये फिर वो एफर्टलेस नहीं होता, वो एफर्ट वाला बन जाता है। हमें क्या करना है? एफर्टलेसली करना है ना, तब हम दूसरों के लिए करेंगे, एफर्टलेसली करेंगे, पर वो एफर्टलेस नहीं हो रहा है बिकॉज इट्स लैकिंग द लव एंड केयर जो हमारे खुद के लिए नहीं है। अब देखो, आपने किसी को बहुत हेल्प किया, सपोज फिनेंशियली हेल्प किया किसी को, उसने मांगा था, आपने 10,000 रुपये दिए, अब आपको ज़रूरत पड़ी, उसने आपको पैसे नहीं दिए, तो आप तुरंत क्या करोगे? ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं आई विल नॉट हेल्प दिस पर्सन एनी मोर। तो क्या हो गया? आपको जो इतने जन्मों से आपने एक अच्छा संस्कार आपके अंदर बिल्डअप किया था, सामने वाले के संस्कार ने उसे ओवर पावर कर दिया। मतलब आपने अब उस सामने वाले का संस्कार ले लिया अपने अंदर, आपका संस्कार लॉस हो गया। इतने मेहनत करके, ये देखो, अब हम जो ये सब जो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने अंदर गुड संस्कार्स बिल्डअप कर रहे हैं। इतना मेहनत करके, ऑडियो सुन के, लेक्चर सुन के, नोट्स लिख कर, खुद को समझा कर, वॉट आर वी डूइंग? हम अपने अंदर परमानेंट गुड संस्कार्स बना रहे हैं। लेकिन जब कोई सामने वाला हमारे साथ वही रेसिप्रोकेट नहीं करता है, एंड दैट क्रिएट्स पेन इन अस, और वो पेन क्यों आया? अब बताओ क्यों आया? अगेन, इट्स अ काइंड ऑफ अप्रूवल। मतलब तुमने मेरे अच्छे अच्छे एक्शन को समझा ही नहीं, यू डिडंट अप्रूव माई एक्शन।
तुम्हें पता ही नहीं, समझ भी नहीं आया कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। राइट, अगेन देखो अप्रूवल पे आ जा रही है, फिर हर्ट हो गया, हर्ट क्रिएट हुआ, हर्ट क्रिएट हुआ तो हमने अपने संस्कार चेंज कर दिए। ऐसे ही हम दो तीन लोगों से करने लगेंगे, हमारे अंदर परमानेंटली दिमाग में बैठ जाएगा किसी के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहिए, सब लोग सेल्फिश होते हैं। क्या कर दिया हमने, इतने मेहनत से जो हमने अपने अंदर संस्कार लाया था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या करना चाहिए इंस्टेड, फर्स्ट ही जब आप किसी के लिए कुछ करो, दिमाग में रखो मैं उसको हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज उसके चेहरे पे अगर स्माइल आई तो मेरे चेहरे पे आएगी, तो मैं खुद के लिए कर रही हूँ ये चीज़, तो वो एहसान नहीं लगेगा, वो बोझ नहीं लगेगा, अप्रूवल की ज़रूरत ही नहीं होगी, खुद के लिए कर रहे तो कहाँ की अप्रूवल, देन यू हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो सामने वाला तुम्हारे साथ सेम चीज़ करे ना करे तुम्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम हर एक स्टेप ऑफ लाइफ में करते आ रहे हैं, लेकिन ये हम अपने क्लोज रिलेशनशिप्स में ज़्यादातर कर रहे हैं। बचपन बच्चे को हम एक इस तरह से बड़ा करते हैं कि बूढ़ा होने के बाद हम जब बूढ़े हो जाएंगे वो हमारा ख्याल रखेंगे, दे विल नॉट इग्नोर अस, वो हमें वृद्धाश्रम में नहीं रखेंगे। और अगर वो कर देते हैं ऐसा, हम क्या बोलते हैं खुद को, हमने इतना किया हमारे बच्चे के लिए पर उसने रियलाइज ही नहीं किया। तो तुम देखो कहाँ कहाँ पे तुम दरवाज़ा खोल के पेन को इनवाइट कर रहे हो, खुद के पेन के लिए कहाँ कहाँ पे इनविटेशन आप डाल रहे हो, आइए पेन दीजिए, आइए पेन दीजिए, इनविटेशन लेटर पहुँच रहा है हर जगह। फिर कहोगे कि मैंने इतना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस किया फिर भी कुछ नहीं हो रहा। जब तक डीप लेवल में हम अपने अंदर इन चेंजेस को नहीं लाते हैं तब तक कुछ नहीं होगा। सो लिख लो फिर से, चार पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, एक्सेप्ट माई सेल्फ, नो माई सेल्फ, अप्रूव माई सेल्फ, एम्पावर माई सेल्फ। इससे हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, हम खुद को ब्लेम करना बंद करेंगे, हम दूसरों को ब्लेम करना बंद करेंगे, हम अप्रूवल सीख करना बंद करेंगे दूसरों से, हम मतलब फिर हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे कि हम इस चक्कर में रहेंगे कि दे दे प्यार दे, दे दे रिस्पेक्ट दे, दे दे इम्पोर्टेंस दे। नहीं, कुछ नहीं, आई एम इम्पोर्टेंट, आई एम इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इम्पोर्टेंस। दे तो ठीक है, दे तो तुम्हारा गुड संस्कार बन रहा है, नहीं देते तो तुम्हारा लॉस। राइट, डीप था, बार बार सुनो समझ जाओगे, तो सच बता रही हूँ लाइफ बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। एंड ये क्लोज रिलेशनशिप्स के साथ ही करो, बार बार सुनो इस बात को और एक्सपेंड करो इस थॉट को कि मैं कहाँ कहाँ गलत कर रही थी, ये किस किस रिलेशनशिप में, किस किस सिचुएशन में मैंने ये गलत चीज़ें की है। एंड हैव टू स्टॉप इट राइट नाउ, जो हो गया हो गया, हमने एक्सेप्ट कर लिया, जो लॉस हो गया हो गया। अब हम ये सब करेंगे तो राइट चीज़ें हम अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, अब राइट रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करेंगे, अब राइट सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे। जो हो गया बीत गया, दूध उबल के नाली में गिर गया, उसके लिए भूल जाओ, भूल जाओ उस चीज़ को, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ आर लर्निंग। वो नहीं होता तो ये पेन नहीं होता, पेन नहीं होता तो हम ये लेक्चर नहीं सुनते, लेक्चर नहीं सुनते तो हम ये नहीं समझते, हम नहीं समझते तो हम फर्दर इसी पेन में रहते, बट हमने ये सब किया है एंड नाउ वी आर ओके। तो अब जब आप लोग देखो, ये हो गया मैंने जो नॉलेज दिया, जो परहेज वाला, सोल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करनी पड़ेगी, दैट इज़ द मेडिसिन। नॉलेज और मेडिसिन दोनों एक साथ जब हम लेके चल दें तब जाके हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी। तो सपोज आपका एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बैठे हो, आपका बच्चा बैठा, वॉट एवर, बोर्ड एग्ज़ाम वाले दिन सुबह आपने च्यवनप्राश खाया कि आज तो मुझे अक्ल और स्ट्रेंथ दोनों की ज़रूरत है, विल इट वर्क, नहीं ना, आपको पूरे साल च्यवनप्राश खाना होगा ना। अगर आपको लगता है च्यवनप्राश से आपको एनर्जी मिलती है या हेल्थ इम्प्रूव होता है वॉट एवर, तो आपको पूरे साल च्यवनप्राश खाना होगा कि आप सिर्फ एग्ज़ाम के दिन सुबह खा लोगे, नहीं होगा ना। उसी तरह पूरे साल एवरी डे आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, पूरे साल एवरी डे आपको अवेयर होना है, नॉलेज गेन करना है। छुट्टी पे आप इस तरह नहीं जा सकते हो कि अरे बाबा मेरे लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है,
प्रॉब्लम चल रही है तो चमनप्राश ज़्यादा खाना है, 2 चम्मच खाओगे एक से ज़्यादा। बीमार होते हो तो ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है ना, तब तो ज़्यादा बढ़ाना है। पर अगर रोज खाओ तो फिर वो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब गड्ढे में नहीं गिरोगे। गड्ढे में अभी भी गिर रहे हो, मतलब देखो सोल स्ट्रेंथ की कमी देखो, मतलब कहीं अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, मतलब कहीं एक्सपेक्टेशंस, मतलब कहीं तुम्हारा बाल्टी खाली, तुम्हारी बाल्टी खाली है, उसमें पानी नहीं भरा, इसलिए तो इधर उधर से कुछ भी हो रहा है तो आप हिल जा रहे हो। इतना भरो कि छलक के बाहर गिरे, और वो जो बाहर छलक के गिरे वो दो दूसरों को। ओके, एक और चीज़ बतानी, ये तो हो गया हमारे सारे इमोशनल और रिलेशनशिप्स लेवल पे जो भी हम लोगों ने बात की। एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी कि जो रामकृष्ण परमहंस के बारे में हमने पिछले बार बात की थी, एक और चीज़ मुझे पता चली उनके बारे में, तो वो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि ये जो इतने हायर्स मतलब सेंट्स होते हैं ना, मतलब हाईली डेवलप्ड सेंट्स, कभी कभी उनकी कुछ चीज़ों को देख के हमें समझ में नहीं आता कि अरे ये इतने बड़े साधु होकर ऐसे कैसे हैं। तो रामकृष्ण परमहंस का एडिक्शन था फूड के साथ, मतलब वो किचन में आके देखते थे क्या खाना बन रहा है, पागल थे वो खाना खाने के लिए। तो कभी कभी उनको सभी लोग उन मजाक उड़ाते थे इस चीज़ के लिए, टोकते भी थे कि आप इतने बड़े साधु होकर मतलब इतने डेवलप्ड वो होने के बाद आप क्या सेट कर रहे हो एग्जाम्पल दूसरों के सामने। तो क्या था, रामकृष्ण परमहंस एक बार शारदा देवी ने भी, शारदा माँ ने भी उनसे कहा, उनकी वाइफ ने, कि आप ऐसा कर रहे हो अच्छा नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा था जिस दिन मैं खाने से पर अपना वो दिखाऊं, डिसइंटरेस्ट दिखाऊं, समझ लेना 3 दिन में मेरी मृत्यु होने वाली है। तो बेसिकली उन्होंने क्या समझाया कि बाकी सब लोभ माया लास्टली सबसे वो उठ चुके थे, पर उन्होंने जस्ट बिकॉज कि उन्हें दूसरों को इस अर्थ पे रहना था ना, अर्थ पे रहना था सो दैट वो दूसरों का हेल्प कर सके, वो अपने शिष्यों को समझा सके, सिखा सके, उन्होंने जबरदस्ती फूड रिलेटेड एडिक्शन को पाल के रखा था सो दैट वो अर्थ पे रहे, क्योंकि वो एडिक्शन निकल गया तो सुर निकल जाएंगे ना वो मोक्ष, पर सो दैट वो रहे और वो सबको समझा सके सिखा सके, उन्होंने ये एडिक्शन को अपने अंदर रखा था। तो एक दिन शारदा माँ आती है खाना लेकर उनके सामने, और वो पीठ दिखा देते हैं अपना, मुंह मोड़ लेते हैं। तब शारदा माँ के हाथ से प्लेट गिर जाता है नीचे, एंड आफ्टर 3 डेज रामकृष्ण परमहंस लीव्स हिज बॉडी, उनकी मृत्यु होती है। तो इसलिए हमें ना जज नहीं करना चाहिए जब हम देखते हैं बहुत सारे हायर बीइंग्स को, या मतलब से साधु संतों को, या हमारे बीच में भी जो लोग हैं, तुम्हें पता नहीं है कि शायद वो किस चीज़ के लिए एक एंकर बना के बस उन्होंने रखा है कि वो खुल गया तो पैराशूट ऊपर बस। तो हमें इस चीज़ से ये भी समझ में आता है कि किन चीज़ों के वजह से हमारी पैराशूट उड़ नहीं रही है। अब समझा क्या, कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से हमारी पैराशूट उड़ नहीं रही है, यही सारी चीज़ें, ये हमें वे डाउन करती है नीचे। तो अगर हम इन चीज़ों से खुद को डिटैच कर लेना तो हमारी पैराशूट ऊपर उड़ेगी। एक और इंसिडेंस, मैं लास्ट 3 सेशन से बोलना भूल जा रही हूँ। एक जगह फेसबुक में एक ग्रुप है, उसमें सारे जो मेरे टाइप के पागल लोग हैं उसमें, मतलब सारे जो स्पिरिचुअली अवेकेंड एंड ऑल दैट। तो उसमें एक एक लड़के ने, शायद वो 21-22 साल का था, मुझे वो सारे डिटेल्स याद नहीं, बहुत ही कम उम्र का था, उसने लिखा था, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस लिखा था। तो उसका एक्सीडेंट होता है, ट्रक आकर उसके ऊपर से चढ़ जाता है, तो उसका जो ब्रेन है ना, मतलब पूरा जो स्कल है, स्कल पूरा स्क्विश हो जाता है, मतलब पूरा समझ रहे हो ना, स्कल खत्म, स्कल को क्या, खोपड़ी, खोपड़ी मतलब पूरा चूर चूर। अब क्या हुआ, उसको हॉस्पिटल ले आया जाता है और वो कोमा में चला जाता है। तो कोमा में जब इंसान जाता है तब सोल थोड़ा सा पोर्शन बस बॉडी में रहता है, बाकी भटकते रहता है। तो वो सोल बाहर घूम रहा है, उस वो देख रहा है कि उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत कर रहा है डॉक्टर कि अब इसका हम वेंटिलेशन सपोर्ट निकाल देंगे क्योंकि कोई चांस नहीं है इसका बचने का, क्योंकि उसका मतलब ब्रेन ही पूरा बाहर आ गया था ना, तो कोई चांस ही नहीं है इसका बचने का। और फैमिली मेम्बर्स को डॉक्टर्स कन्विंस कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आके अपने
पापा से बोलता है, पापा मुझे जिंदा रहना है, प्लीज मुझे एक चांस चाहिए। वो इतना बोलता है पर उसके पापा सुन नहीं पाते, वो पापा को झापड़ मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, सुन नहीं पाते। तो उसने बहुत एनर्जी लगा के वहां पे जो एक लैम्प पोस्ट थी उसको एक लात मारी, वो लैम्प पोस्ट गिरा, पर फिर भी किसी को समझ में नहीं आया। उसने ये भी देखा कि कौन से डॉक्टर का किसके साथ अफेयर चल रहा है, उसने देखा कि लोग किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल व्यू किया उसने, सब कुछ देखा, लेकिन वो नहीं कर पाया। मतलब समहाउ कोई उसकी बात ही नहीं सुन पा रहा था, आत्मा है ना कैसे सुनेगा। वो अपने बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसने पूरा अपने आप को फ्लैट अपने बॉडी के ऊपर रखा और घुसने की कोशिश की, नहीं घुस पा रहा, सब कुछ उसने कर दिया। फाइनली वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता चल रहा। तब उसने एक आवाज़ सुनी, ओम की आवाज़। जैसे ही वो ये क्रिश्चियन है हाँ, ये हिंदू नहीं था, उसने ओम की आवाज़ सुनी और उसको पता भी नहीं वो साउंड क्या होता है। उसने सिर्फ ये लिखा कि आई हर्ड दिस साउंड ओम एंड आई डेंट नो वॉट इट मीन्स। जैसे उसने ओम की आवाज़ सुनी, उसकी आत्मा उसके शरीर के अंदर घुस गई और वो हील हो गया, वो जिंदा हो गया, और उसका सिर्फ एक आंख से दिखता नहीं है, बाकी वो उसका पूरा बॉडी हील हो गया। दिस इज अ ट्रू इंसिडेंट। तो ये पावर है ओम में। तो हम ये सब जो मंत्रा भी जाप करें जो भी करें, हमें समझना होगा इसका इम्पोर्टेंस, उस श्रद्धा उस भक्ति से हमें हर चीज़ करनी है। तो ये मुझे ये इंसिडेंस आपको बताना था कि ये देखो कितना पावरफुल है ओम का, कि वो उसकी आत्मा तक बॉडी के अंदर घुस गया। एंड इट इज़ अ ट्रू इंसिडेंट, उसने अपनी इंसिडेंट बताया। ऐसे बहुत लोग अपने इंसिडेंट्स बताते हैं, उसमें जो जो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो हम अभी आ जाते हैं हमारे भगवद गीता पे, श्री कृष्णा पे आते हैं। ओके, तो हम लोग हैं टेक्स्ट नंबर 25 पे, चैप्टर नंबर 9, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, टेक्स्ट नंबर 25। कृष्णा कह रहे हैं, दोज हु वर्शिप द डेमी गॉड्स विल टेक बर्थ अमंग द डेमी गॉड्स, दोज हु वर्शिप द एंसेस्टर्स गो टू द एंसेस्टर्स, दोज हु वर्शिप गोस्ट एंड स्पिरिट्स विल टेक बर्थ अमंग सच बींग्स, एंड दोज हु वर्शिप मी विल लिव विथ मी। तो हम जिसको जिसकी पूजा करते हैं, देखो एंसेस्टर्स का भी एक अलग प्लैनेट है हाँ, जो पितरी पितरी बोलता है ना, जो उन लोगों का एक अलग प्लैनेट है। तो जब हम वो पितृपक्ष अमावस्या में वो सब देते हैं, डोनेट करते हैं, वो सब कुछ जाता है उनके प्लैनेट तक। तो वैसे पितृलोक जो भी है, तो जो लोग भूत पिशाच की पूजा करते हैं वो उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं। ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, प्लेन्स हैं जहाँ पे वही रहते हैं। इनफैक्ट अभी हम लोग एक मूवी देख रहे थे, एनिमेटेड मूवी है, मैं कोशिश करूँ कि उसका लिंक यूट्यूब में है, वो लिंक आप लोगों को भेज दूँ। तो उसमें दिखा रहे थे कि किस तरह सृष्टि बनी, तो वीनस से लाया गया था सोल्स को, वीनस जो प्लैनेट है वहाँ से आत्मा को लाया गया। एंड इट इज़ ट्रू, बिकॉज YPV में भी रेड्डी सर ने ये चीज़ बताई थी कि मुझे लगता है शायद सनत कुमार भी वीनस से ही थे, सनत कुमार जो हमारे प्लैनेटरी गॉड हैं, तो वीनस से लाया गया, कुछ कुछ प्लांट्स वीनस से लाया गया जिसके सीड जो हमारे अर्थ पे है, अदरवाइज वो अर्थ पे नहीं था। तो ऐसे बहुत अलग अलग कॉन्स्टिलेशंस और प्लैनेट से लाया गया आत्माओं को यहाँ पर, और फिर टेस्ट किया गया कि वो किस तरह फंक्शन करते हैं। तो फिर हमारे अंदर जो गुड एंड बैड दोनों की जो पावर है, जिसने जो जो चॉइसेस ली उस हिसाब से वो नीचे 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 नरक में जाते गए जाते गए जाते गए, और जिन्होंने गुड चॉइसेस ली अपने लाइफ में, दिव्य दिव्य जो दैवत्व दिखाया, डिवाइन गुणों को जिन्होंने एनहेंस किया, वो अलग अलग मतलब हायर हायर जगह जाने गए। तो जब इस अर्थ को पूरा नष्ट किया जाता है ना, उन पर्टिकुलर आत्माओं को लेकर दूसरे जगह पे रख दिया जाता है, जो हमारे अर्थ के साथ भी होने वाला है। मैंने ये शायद रेड्डी सर ने बताया था कि कहाँ कहीं तो सुना मैंने कि हमारे अर्थ के साथ भी कुछ सालों में ये चीज़ होने वाली है, कि जो लोग हायर स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं उन आत्माओं को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और एक बेटर अर्थ पे रखा जाएगा। ये सारा प्लान चल रहा है ऊपर, ये सभी मास्टर्स लोग और ये सारे लोग इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो, पहले तो पहले आप देखो आप जाना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर क्या रहेगा, सोचो जो बच जाएंगे यहाँ पे किस क्वालिटी ऑफ लोग रहेंगे। अभी हम झेल नहीं पा रहे इन लोगों को, क्या कौन से क्वालिटी के लोग रहेंगे। डर लग रहा है, डरो, डर लग रहा है तो अपनी हीलिंग करो, साइकोथेरेपी करो अपनी, ये सारा नॉलेज यूज करके अपने अंदर से कचरा निकालो, और अपने फैमिली मेम्बर्स जिनसे प्यार करते हो उनका भी साइकोथेरेपी करो,
उनके अंदर से ये निकालो, ये नॉलेज उन्हें भी दो। अब अभी मेहनत तो आपको करनी होगी ना, आप या तो फिर आप चले जाओगे वो रह जाएंगे तब भी आपको बुरा लगेगा। तो आप जो चाहते हो, जो लोग रहे उनको आप वो करो, चैंटिंग करके डोनेट करो कुछ, जैसे भी करके हेल्प करना है। मैंने सारे मेथड्स बताए, वो आप करो। पर पहले ऑक्सीजन मास्क अपने चेहरे पे, पहले खुद को। दूसरों को ये सब करते बैठे देखा खुद की बाल्टी खाली है, यही रह गए आप, बाकी सब पैराशूट लेके चले गए ऊपर। तो पहले खुद को हेल्प करो। तो क्या कहा जा रहा है कि कृष्ण भगवान कह रहे 200 वर्षिप में विल लिव विथ मी। कहाँ रहेंगे हम? कल वृंदावन में रहेंगे कृष्ण भगवान के साथ, अगर हम उन्हीं को वर्शिप करें। हाँ, डेमी गॉड्स को वर्शिप करेंगे तो डेमी गॉड्स के वहाँ पर रहेंगे, ये आपके ऊपर है आपको कहाँ रहना है। लेकिन डेमी गॉड्स के पास अगर आप जाओगे, जैसे आपका कर्मा खत्म हो जाएगा आपको लात मार के नीचे भेज दिया जाएगा। एक बार गोलक वृंदावन पहुँच गए तो परमानेंट रेसिडेंस हो गया वो, फिर नहीं आना है आपको, सिटीजनशिप मिल गई। ये सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले। इफ वन हैज़ एनी डिजायर टू गो टू द मून, द सन और एनी अदर प्लैनेट, वन कैन अटेन द डिजायर डेस्टिनेशन बाई फॉलोइंग स्पेसिफिक वैदिक प्रिंसिपल्स रिकमेंडेड फॉर दैट पर्पज, सच एज द प्रोसेस टेक्निकली नोन एज दर्श पौर्णमासी। दीज आर विविडली डिस्क्राइब्ड इन द फ्रुटेटिव एक्टिविटीज पोर्शन ऑफ द वेदास, विच रिकमेंड्स अ स्पेसिफिक वर्शिप ऑफ डेमी गॉड सिचुएटेड ऑन डिफरेंट हेवनली प्लैनेट्स। सिमिलरली वन कैन अटेन द पीता प्लैनेट बाय परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक यज्ञ। सिमिलरली वन कैन गो टू मेनी घोस्टली प्लैनेट्स एंड बिकम अ यक्ष, राक्षसा और पिशाचा। पिशाच वर्शिप इज कॉल्ड ब्लैक आर्ट्स और ब्लैक मैजिक। देर आर मेनी मैन हु प्रैक्टिस दिस ब्लैक आर्ट एंड दे थिंक दैट इट इज स्पिरिचुअलिज्म, बट सच एक्टिविटीज आर कंप्लीटली मटीरियलिस्टिक। सिमिलरली अ प्योर डिवोटी हु वर्शिप्स द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ओनली अचीव्स द प्लैनेट्स ऑफ वैकुंठ एंड कृष्ण लोक विदाउट अ डाउट। ठीक है, जिसको आप वर्शिप करोगे वहीं पर जाओगे। लेकिन आपको ये समझना है कि वॉट इज स्पिरिचुअलिटी एंड वॉट इज मटीरियलिस्टिक चीज़। क्योंकि मैंने बताया मेटेरियलिस्टिक वे से आप करोगे दैट इज़ टेम्प्ररी, आपको फिर से आना पड़ेगा। और बाप रे, भूत पिशाच की जगह पे क्यों जाना? तो अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है किसी पे, तो उसका चांस यही है कि वो यक्ष या राक्षस बन के वहाँ जन्म ले। तो ये जो, और ये क्यों होता है, हम में से इंसान ही रहते हैं ना, बहुत सारे इंसान होते हैं जो अपना करवाने के लिए दूसरों पे ब्लैक मैजिक करते हैं। वशीकरण मंत्र, ये जो न्यूज़पेपर में आता है, वशीकरण मंत्र करो आपके हस्बैंड आपके वश में, सो बैड एंड सो रॉन्ग। अगर आपका हस्बैंड किसी और को लाइन मार रहा है, आप वशीकरण मंत्र करके उसको अपने वश में मत लाओ, प्लीज मत करो। ये हैंकरिंग, ये क्रेविंग, ये इस सब से निकल जाओ बाहर, नहीं तो इतनी बैंड बजेगी, इतनी बैंड बजेगी, इस लोक में नहीं दूसरे लोकों में भी बैंड बजेगी। प्लीज बचा लो खुद को। किसी को अगर पता चलता है कि आप ऐसा कोई कर रहा है, उसको रोक दो, मत करो। ये सब चक्कर में ही नहीं पड़ना है। वी आर गुड सोल्स, वी आर गुड ह्यूमन बींग्स, हम गुडनेस करेंगे। हमारे साथ कुछ गुड नहीं हो रहा है वो कृष्ण भगवान देखेंगे, ही इज द अंपायर, उन्हें देखने दो, वो नो बॉल नहीं होने देंगे। और जो हो रहा है हमारे साथ दैट इज वॉट वी डिजर्व, हम उसको ट्रांसम्यूट करेंगे ना। वो जो पेन हो रहा है उसे ट्रांसम्यूट करेंगे, वही तो मैं सिखा रही हूँ। उसको एक्सेप्ट कर लेंगे पहले, फिर हम फॉरगिवनेस करेंगे, हम ब्लेस करेंगे। नहीं रहता पेन यार, नहीं रहता। प्रॉपर अप्रोच करो, पेन नहीं रहता। फाइनली क्या है, हमारा पेन इस पेन से तो हमें निकलना है ना। नहीं रहता, जा रहा है ना आपके हस्बैंड किसी और के पास, ब्लेस दैट पर्सन। कि ते अपने दूसरे कार्मिक अकाउंट के पास जा रहे हो तुम, ऑल द बेस्ट, कार्मिक अकाउंट सेटल करो। तुम ये सोचोगे कि हाँ मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया, अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। वाई वर यू फर्स्ट इन द फर्स्ट प्लेस डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड? क्यों डिपेंडेंट हुए? इमोशनली, फिनेंशियली, किसी वैसे किसी पे नहीं डिपेंड करना है, ना बच्चों पे करना है, ना किसी और पे करना है। जब आप खुद से प्यार करोगे तभी तो आप एक अनकंडीशनल लव दे भी पाओगे अपने हस्बैंड को। ये वाला जो लव आपके हस्बैंड के लिए जाएगा ना, कि आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, मेरा क्या होगा, दैट इज सिंपल सेल्फिशनेस बिजनेस। कि आप चले गए तो मेरे सुख का जो धारा मेरे तक बह रही थी उसमें रुकावट आ जाएगी। सुख की धारा जो मेरे पास बह रही थी, उसको लव नहीं कहते हैं। लव है आपकी खुशी में मेरी खुशी, जाना है जाओ। ठीक है, कुछ बातें सेटल कर लेते हैं, ये इतनी एलिमनी देनी है आपको, क्योंकि अभी तक तो मैंने जॉब नहीं किया था, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये एलिमनी दो, ये करो वो करो, फिर आप खुश रहो।
ये होना चाहिए, और मन में कोई ग्रज नहीं, ओनली लव। फिर बोलो कैसे लव करूँ, क्यों नहीं लव करोगे, इतने साल बिताए उसके साथ, कुछ तो अच्छा ही होगी, लव वही देख के लव करो, लव तो करना ही है, वो तो ऑप्शनल ऑप्शनल भी नहीं है। ये तो सोचो ही मत कि वो मेरे लिए ऑप्शन है कि मैं बाद में देखूंगी कि मुझे लव करना है कि नहीं, नो, वो ऑप्शन ही नहीं है, हेट्रेड कर ही नहीं सकते, और लव करना ही है, ये दिमाग में बैठा लो, किसी को भी कोई भी सिचुएशन में कितना ही बुरा हो, हेट्रेड कर नहीं सकते, लव करना ही है, लव तभी आएगा व्हेन यू एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है मेरे साथ नहीं उसको मिला, आई कुडंट मेक दैट पर्सन फील कंप्लीट, इसलिए उसको जाना पड़ा, इट्स ओके, नो वरीज। या मेरा कार्मिक अकाउंट खत्म हो गया, उस दूसरा कार्मिक अकाउंट लाइफ में जो जो लोग दो दो शादियां करते हैं, मतलब दो दो प्रोजेक्ट लेके आए हैं दो कार्मिक अकाउंट्स उनको बड़े बड़े खत्म करने, तो उनपे दया आनी चाहिए कि गुस्सा खुद सोच कर देखो ना, बेचारे वो लोग क्यूट से दया आनी चाहिए ना, इतने ओवर ऑप्टिमिस्टिक, बाप रे एक ही नहीं हो पाता है दो दो, सोचो बेचारे लोग सीख ही नहीं रहे हैं, तो हम नहीं पढ़ेंगे ये सब चक्कर में, वी विल ट्रांसम्यूट ऑल दिस, हमारे हाथ में है वो पावर। ठीक, तो हमारा एक ही एम है कृष्णा, कृष्णा तक पहुंचना है, कृष्णा को प्यार करना है, वो हमारे तरफ पलट के देखे ना देखे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी विल लव कृष्णा, वी विल सरेंडर कृष्णा, हर एक पॉइंट में हर एक स्टेप में हम सरेंडर करेंगे, हर एक दुख में हर एक सुख में सरेंडर करेंगे, यही है प्यार, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, सब कुछ तुम हो, सब कुछ तुम हो कृष्णा, बस ये एटीट्यूड रखो, और अपने आप से भी प्यार करो, क्योंकि हमारे दिल में भी कृष्णा बैठे रहते हैं ना, पानी सुखा दोगे उनको भी गर्मी लगेगी, थोड़ा ठंड ठंडक लाओ, इतनी गर्मी है इंडिया में, कूलर चलाओ अपने हार्ट में, जलते रहोगे दिल में जेलसी और इनसिक्योरिटी और ये सब में, तो बेचारे कृष्णा भगवान को कितनी गर्मी लगेगी, दिल को ठंडक थोड़ा पहुँचाओ। ठीक, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड थ्रू दिस इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट इफ बाय सिंपली वर्शिपिंग द डेमी गॉड्स वन कैन अचीव द हेवनली प्लैनेट्स, और बाय वर्शिपिंग द पीताज अचीव द पीता प्लैनेट, और बाय प्रैक्टिसिंग ब्लैक आर्ट्स अचीव द गोस्टली प्लैनेट्स, वाई कैन द प्योर डिवोटीज नॉट अचीव द प्लैनेट ऑफ कृष्ण और विष्णु, जब हम इन सब चीज़ों को करके उनके प्लैनेट तक पहुँच सकते हैं तो हम कृष्णा के प्लैनेट पर डेफिनेटली पहुँच सकते हैं। Unfortunately, many people have no information of these sublime planets where Krishna and Vishnu live, and because they do not know of them, they fall down. बेचारे कुछ लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता, इसलिए वो गिर जाते हैं। इवन द इम्पर्सनलिस्ट फॉल डाउन फ्रॉम द ब्रह्म ज्योति। इम्पर्सनलिस्ट मतलब जो निराकार भगवान को पूजा करते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुँचते हैं, ये मैंने पुराने लेक्चर्स में समझाया है, तो वो भी फॉल डाउन करते हैं, बोर हो जाते हैं ना वहाँ पे। देखो तुम गोलक वृंदावन पहुँचते हो, तुम्हें बहुत काम रहता है वहाँ पे, तुम्हें कृष्णा की सेवा करनी होती है, वहाँ पे वो है क्या है, कामधेनु है, वहाँ पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष को बोला कि मुझे कृष्णा को लड्डू खिलाना है, तो तुमने लड्डू लेकर उन्हें सेवा की, आज तुम्हारा मन किया कृष्णा को पनीर बना के देना, आज तुमने कामधेनु को बोला कि दूध दो पनीर बना के खिलाया, जो भी है, आई मीन यू विल बी एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, वेन यू आर एंगेज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा बोर नहीं होगे, वरना आपको मोनोटोनस लगने लगेगा सब कुछ, और वही इम्पर्सनलिस्ट को होता है जिनको पता ही नहीं कि भगवान दिखते कैसे हैं, वो ये सब सब कुछ करके तामझाम करके ये मेडिटेशन वो हठ योग और ये सब कुछ करके पहुंच तो जरूर जाते हैं, पर वो ब्रह्म ज्योति में पहुंचते हैं, मतलब द जो लाइट एमिट होता है कृष्णा से उस लाइट में पहुंचते हैं, पर फिर कुछ दिन बाद उन लगता है मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे, फिर से गिर जाते हैं, फिर से अर्थ पे आ जाते हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ भगवद्गीता कह रहा है, तो मेरे तरफ शक की नज़रों से नहीं देखोगे आप लोग, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप और पढ़ो। द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज देयर फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग सबलाइम इन्फॉर्मेशन टू द एंटायर ह्यूमन सोसाइटी टू द इफेक्ट दैट बाय सिंपली चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्रा वन कैन बिकम परफेक्ट इन दिस लाइफ एंड गो बैक होम बैक टू गॉड हेड। तो सिंपली चैंटिंग हरे कृष्णा मंत्रा से दिस इज पॉसिबल, कितना आसानी से बोल देता है ना, इस मतलब इस चीज को लाइट में मत लो मैं आपको बताती हूँ होता क्या स्टोरी, जब आप हरे कृष्णा मंत्र चैंट करना शुरू करते हो तब आपकी लाइफ घूमने लगती है पूरी, तब आपको कार्मिक अकाउंट जल्दी जल्दी आने लगते हैं आपके लाइफ में, तब आपको दिखता है कि आपका यहाँ फॉल्ट है वहाँ फॉल्ट है, ये चेंज करना है वो चेंज करना है, ये ग्रो करना है वो ग्रो करना है,
तो ये सब हरे कृष्ण मंत्र से स्टार्ट हो जाता है, पर हरे कृष्ण मंत्र वो कंटिन्यूअसली आपके पेड़ को वो खाद देता रहेगा। जो जैसे आपको लगा आपका पेड़ सूख रहा है, हरे कृष्ण मंत्र वो खाद आपको देता रहेगा, वो प्रोटेक्शन आपको देता रहेगा। लेकिन ये जो एक सेंटेंस है कि बस हरे कृष्ण मंत्र करने से आप गॉडहेड में चले जाते हो, मैंने उसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया कि उसके बाद एक्चुअली प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लंबा प्रोसेस है बट स्टार्ट तो होता है हरे कृष्ण मंत्र से। बट मैंने जो बोला आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, मैं अभी कुछ दिनों पहले डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरी हूँ और उस समय मुझे कृष्णा का जो प्रोटेक्शन मिला, आप बिलीव नहीं कर सकते। मैं सारे डिटेल्स नहीं बता सकती हूँ बट लिटरली जो चीज़ मैंने फील की, जो मेरे तरफ आ रही थी, बहुत ही एक नेगेटिव चीज़ जो मैंने फील की थी, और मुझे कृष्णा ने बचा लिया। जस्ट मैंने जैसे ही सरेंडर किया, कृष्णा ने बचा लिया। बस सरेंडर करना था, क्या करना था, बस बोला आई एक्सेप्ट इट, चला गया वो पेन, चला गया। तो मैंने इतना थैंक यू बोला कृष्णा को, इतना थैंक यू बोला कि वो गाना है ना कि अगर तुम ना होते, बस वही गाना कि अगर तुम नहीं होते कृष्णा मेरे लाइफ में तो मेरी मेरी क्या हालत होती। थैंक गॉड तुम हो, थैंक गॉड तुम अपना प्रेजेंस तुमने फील करा। आई एम सो लक्की, आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे आपके बारे में पता चला कृष्णा, वरना मैं कैसे ये सारे डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाती। मैं सकम होके पूरा डिप्रेशन में चले जाती, या मेरी तबीयत खराब हो जाती, या मैं कुछ भी हो सकता था। बट बस आपके वजह से आई एम कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग कंटिन्यूइंग। तो ये जो नॉलेज मिल गया है हमको, हम ऐसा नहीं लगता कि दूसरों को भी देना चाहिए। इसलिए ज़रूर आप भगवद गीता सेशंस दूसरों को दो, दूसरों को बताओ कि एक बार तो सुन, एक बार तो सुनो, फिर उनको इंटरेस्ट आएगा और वो रेडी होंगे। ओनली इफ दे आर रेडी दे विल एंजॉय इट। हमारे ग्रुप में कुछ कुछ लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक बार भगवद गीता सेशन सुना था और उसके बाद से वो उनकी लाइफ लाइन बन गई है। मैं क्यों बनाती हूँ सेशंस, बिकॉज वो आप सब लोग मुझे लिखते हो कि ये सेशन सुनने से आपको फूड मिलता है आपके आत्मा को, आपको मेडिसिन मिलती है, आपको फिर से लाइफ में चलने की हिम्मत मिलती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि स्प्रेड स्प्रेड दिस। आप लोग कर भी रहे हो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो हमारे ग्रुप में नहीं है पर वो सुन रहे हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि सब लोग सफ़र कर रहे हैं ना। और ये नॉलेज से अगर सफरिंग से कोई निकल सकता है, इससे अच्छा गुड कर्मा क्या हो सकता है। इट्स द बेस्ट थिंग वी कैन डू फॉर एनीबडी। ओके, हम टेक्स्ट नंबर 26 पे आते हैं। ये काफ़ी बड़ा है, लेट मी ट्राई। इफ वन ऑफर्स मी विथ लव, हाँ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या, बापरे, यो में भक्ता प्रयच्छति तद अहम भक्ति उपहर्तम अस नमामि प्रयत मनः। सॉरी अगर मैंने रॉन्ग प्रोनाउंस किया हो, बाय द वे इसका मतलब ये है, इफ़ वन ऑफर्स मी विद लव एंड डिवोशन अ लीफ अ फ्लावर अ फ्रूट और वाटर आई विल एक्सेप्ट इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फलम तोयम पुष्पम, लीफ मतलब पत्ता, फ्लावर मतलब फूल, फ्रूट मतलब फल, वाटर मतलब और तोयम मतलब वाटर। कृष्ण भगवान कह रहे हैं ये अगर मुझे कोई ऑफर करता है, मुझे कोई चढ़ाता है, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ, करता हूँ। कहीं पे भी नहीं बोला मटन चिकन बिरयानी, ये सारे बोले बोला गया है। तो ये सारे हम भगवान को चढ़ाएंगे। फॉर द इंटेलिजेंट पर्सन इट इज़ एसेंशियल टू बी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस इंगेज इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड इन ऑर्डर टू अचीव अ परमानेंट ब्लिसफुल अबोड फॉर इटर्नल हैप्पीनेस। द प्रोसेस ऑफ अचीविंग सच अ मार्वलस रिजल्ट इज वेरी इजी एंड कैन बी अटेम्प्टेड इवन बाय द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन। द ओनली क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन दिस कनेक्शन इज टू बी अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। कोई गरीब से गरीब भी हो तो भी एक पत्ता तो चढ़ा ही सकता है, तुलसी का पत्ता चढ़ा सकते हो आप। आप लोग लकी हो जो लोग इंडिया में हो, तुलसी का पेड़ आप लगा सकते हो। मैं तरसती हूँ तुलसी के लिए। और तुलसी का पत्ता आप किसी और भगवान को नहीं चढ़ा सकते हो, ये याद रखना, क्योंकि तुलसी वाइफ है कृष्णा की, तो वो सिर्फ कृष्णा को ही आप चढ़ा सकते हो, किसी और को नहीं चढ़ा सकते। तो आप पत्ता चढ़ाओ, एक फूल, फूल तो आप कहीं पर भी मिलेगा, फूल चढ़ाओ, एक फल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कैसे चढ़ाना है, विथ कंप्लीट डिवोशन, प्योर डिवोटी बन के चढ़ाना है। इट डज नॉट मैटर दैट वन इज़ और वेयर वन इज सिचुएटेड, द प्रोसेस इज सो ईजी दैट
Even a leaf or a little water or fruit can be offered to the Supreme Lord in genuine love and the Lord will be pleased to accept it. मैं बताती हूँ मैं क्या करती हूँ. आप तो जानते हो मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक है और बहुत कम टाइम है, तो मैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें करती हूँ. सुबह उठकर नहा कर मैं कृष्ण भगवान को पानी पहले नहला देती हूँ. भगवान को जो बाल गोपाल की मूर्ति है उस पानी को मैं एक कटोरी में स्टोर करती हूँ. और फिर वो जिससे नहलाया, और फिर मैं उनको ग्लास में पानी देती हूँ और एक फ्रूट देती हूँ. एवरीडे डिफरेंट फ्रूट होता है जो फ्रूट मैं खरीद के लाती हूँ. पहले फ्रूट्स भगवान को ही चढ़ाया जाता है, फिर ही वो फ्रूट्स मैं बच्चों को देती हूँ उनके टिफिन में या व्हाटएवर या मैं खाती हूँ. तो ये तो एक बहुत ही सिंपल चीज़ है. जब आप चढ़ाते हो तब आप वो क्या करो, थोड़ा सा जो ग्लास में पानी है वो चम्मच से लेके गोल गोल घुमा के बोलो, एतद नैवेद्याय नमः, एतद नैवेद्याय नमः, एतद नैवेद्याय नमः. ये भी नहीं बोल पाते हो तो मन से बोलो, कृष्णा आप ही की चीज़ आप ही को दे रही हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट इट और इसे प्रसाद बना दीजिए. ये तो बहुत सिंपल है. अगर हम में से ये कोई कर नहीं रहा अभी भी, प्लीज़ स्टार्ट. कृष्ण भगवान ने ही तो कहा है ना, यही मुझे मुझे करो, उन्हीं का इंस्ट्रक्शन तो हम फॉलो कर रहे हैं. अगर आप में से कोई नहीं कर रहे, इट इज़ सो सिंपल. अच्छा, अगर आप नहीं हो घर में, आपका ट्रैवलिंग जॉब है, मानसिक पूजा कर सकते हो आप. कैसे करोगे? जैसे नरसिम्हा देव का फेवरेट फ्रूट है मैंगो, मेरे यहाँ नहीं मिलता, तो क्या किया, मानसिक वैसे चढ़ाया नरसिम्हा चतुर्दशी के दिन, कि एक बहुत अच्छा सा पका वाला आम मैंने इमेजिन किया और उसको मैंने कहा, नरसिम्हा देव ये आपके लिए, आप ही की चीज़ आप ही को दे रही हूँ, आप खाओ. यू कैन डू दैट. भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान को मैंगो शेक बनाना है क्या? नहीं ना, वो खुद मैन्युफैक्चरर हैं मैंगो के, बेस्ट क्वालिटी ऑफ मैंगो, वो आपका प्यार देख रहे हैं. तो आप ये सारी चीज़ों में मत फंसो. 56 भोग एंड ऑल दैट, वो जो अफोर्ड कर पाते हैं वही करते हैं. शबरी ने एक बेर खिलाया, वो भी झूठा, देख कर कि इसमें ये मिठास है कि नहीं. राम ने उसको उसके झूठे बेर को वो किया, एक्सेप्ट किया. तो व्हाट डज मैट व्हाट व्हाट मैटर्स, हमारा थॉट, हमारा इमोशन, हमारा डिवोशन, हमारा सरेंडर. एवरीडे लाइफ में एवरी सेकेंड एवरी सिचुएशन में सरेंडर करो, तब जाके ये सब चीज़ों का मतलब बनता है. बट यू कैन स्टार्ट, इससे शुरुआत तो कर सकते हो ना, जब भगवद गीता में स्पेशली मैंशनड है. ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नो वन, हाँ, द प्रोसेस इज सो इजी दैट इवन अ लीफ और अ लिटिल वाटर और फ्रूट कैन बी ऑफर्ड टू द सुप्रीम लॉर्ड इन जेन्युइन लव एंड द लॉर्ड विल बी प्लीज टू एक्सेप्ट इट. नो वन देयर फॉर कैन बी बार्ड फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियसनेस बिकॉज इट इज सो ईजी एंड यूनिवर्सल. Who is such a fool that he does not want to be Krishna conscious by this simple method and thus attain the highest perfectional life of eternity, bliss and knowledge? Krishna wants only loving service and nothing more. Krishna accepts even a little flower from his pure devotee. He does not want any kind of offering from a non-devotee. He is not in need of anything from anyone because he is self-sufficient, and yet he accepts the offering of his devotee in an exchange of love and affection. To develop Krishna consciousness is the highest perfection of life. Bhakti is mentioned twice in this verse in order to declare more emphatically that bhakti or devotional service is the only means to approach Krishna. No other condition, such as becoming a brahmana, a learned scholar, a very rich man or a great philosopher, can induce Krishna to accept some offering. कोई बहुत ज्ञानी होगा, बहुत महान होगा, लेकिन कृष्णा उसका ऑफरिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि कृष्णा को सिर्फ प्योर भक्ति और प्यार चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए और कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं चाहिए. विदाउट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ भक्ति नथिंग कैन इंड्यूस द लॉर्ड टू अग्री टू एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. भक्ति इज नेवर कैजुअल, द प्रोसेस इज इटर्नल, इट इज़ डायरेक्ट एक्शन इन सर्विस टू द एब्सोल्यूट होल. आप जो भी फॉर्म ऑफ भक्ति करते हो वो काउंट होता है. आप अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, जो भी करो दिल से करो, वो सब कुछ काउंट होता है. और हिम्मत मत हारो, पर शुरुआत ये कुछ कुछ चीज़ें ना, मतलब प्रैक्टिस में ला दो. मैं ये चीज़ों का ना एवरी डे करती हूँ और कितने सालों से कर रही हूँ. तो वो उसको ऑप्शनल मत रखो कि आज तो मैं 10 बजे उठी तो मेरे से अभी तो पूजा नहीं हो पाएगा. नो, एक डिसिप्लिन लाइफ लाओ.
सुबह इतने बजे उठना है, उठ के पहले नहाकर पूजा करके तभी बाकी सारे सांसारिक चीज़ों में जाना है। और फिर आपको हैबिट हो जाएगा, आप जब नहीं करोगे ना आपको गिल्टी फील होगी। मैंने तो मेरी वो स्टोरी बताई थी ना आपको, फिर से रिपीट करती हूँ जिन्होंने सुना नहीं है, जो लोग नए लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है। मैं जब अबरडीन आई थी तो मेरे कृष्ण भगवान बॉक्स में बंद थे, और पूजा का जो टेबल था वो भी मतलब नहीं आया था, मतलब 1-2 दिन में आने वाला था। तो 2 दिन वो बॉक्स में बंद, 2-3 दिन बॉक्स में बंद थे। तो मैंने सोचा जब वो टेबल आ जाएगा तब उनको निकाल के वो करूँगी पूजा और उनको खाना दूंगी। तो सपने में वो आए मेरे बाल गोपाल और बोला मैं जा रहा हूँ रूपाली। मैंने कहा अरे गोपाल रुको रुको, अरे गोपाल रुको, मैं चिल्ला रही हूँ उनके पीछे। मैंने कहा क्यों जा रहे हो क्यों जा रहे हो, नहीं तूने मुझे खाना नहीं दिया। उन्होंने सपने में बोला मुझे, तूने मुझे खाना नहीं दिया, मैं भूखा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और मैं सपने में इंद्रनील को बोला अरे कोई तो गोपाल को रोको, कोई तो गोपाल को रोको, और मैं दूर पीछे उनके भाग रही हूँ कि मत जाओ। देन आई रियलाइज्ड ओ माई गॉड, मैंने उनको भूखा रखा। मतलब ये जो हम लोग को लगता है ना कि ये सारी चीज़ें हैं, भगवान खाते भी होंगे क्या, नहीं इट मैटर्स। मैंने तब तक रियलाइज़ ही नहीं किया था कि मैंने भगवान को भूखा रखा है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान थी मेरे शिफ्टिंग में कि मैंने वो रियलाइज़ ही नहीं किया था। और जब ये पूरा कृष्णा कॉन्शियसनेस जब स्टार्ट हुआ, जब मेरे घर में भगवद गीता जिस दिन आया था ना, उस दिन तो खैर मैंने जो सपना देखा देखा, मैंने एक और उसमें उस दिन सपना देखा था कि कृष्ण भगवान के एक मूर्ति है मार्बल में, वो और राधा और पीछे से पूरा ऊपर से शेषनाग है, एक मार्बल में मूर्ति वो ज़मीन पे गिरी हुई है। और मैं कह रही हूँ उनसे कि आप कौन है, तो बोले मैं कृष्णा हूँ। तो बोले बोले मुझे पूजा के जगह पे रखो, मुझे धूल में क्यों रखा है तुमने। मैं कहा हैं ये तो जानी पहचानी लग रही है मुझे मूर्ति। बोले मुझे वो कह रहे मुझे पूजा की जगह पे रखो, धूल में मत रखो। जब मेरी नींद खुली मैंने सोचा ये मूर्ति मैंने कहाँ देखी है, कहाँ देखी है, कहाँ देखी है। फिर मैंने अपना पूरा कबर्ड चेक किया, मैंने मतलब जो मेरा शोकेस था ना, शोकेस में वो मूर्ति रखी थी। और मैंने अच्छा ये मैं जब छोटी थी बचपन में मैं जबलपुर गई थी बेड़ा घाट, वहाँ पे मार्बल रॉक्स होते थे, वहाँ पे ये चीज़ मैंने खरीदी थी ऐसे ही शौक में। मुझे मुझे पता भी नहीं था वो कृष्णा है, वो राधा कृष्णा ने मुझे वो मार्बल का एक दिखा कुछ तो कार्विंग कार्विंग, मैंने वो खरीद ली थी। एंड मैंने परवाह ही नहीं की, केयर ही नहीं की, कितने साल पहले की बात है। पर जब भगवद गीता मेरे पास पहुंचा उस दिन मुझे सपना आया और मैंने उठा के उनको अपने पूजा के स्थान पर रखा। तो दिस इज हाउ ही कम्युनिकेट्स। तुम्हें क्या लगता है उनको इंटरेस्ट नहीं है तुम में? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें वॉच नहीं कर रहे? तुम उनके क्रिएशन हो यार। हमारा जैसे सपोज तुम्हें 10 बच्चे हो, हर हर एक बच्चा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो इसीलिए हम हर एक इम्पोर्टेंट है उनके लिए। हमें नहीं पता चल रहा है बिकॉज ही उन्होंने खुद चूज किया है पर्दे के पीछे रहने के लिए, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू सी किस में इंटरेस्ट है। देखो तो ज़रा मुझे देखने की, मुझे जानने की। प्रोवाइड वो सब कर रहे हैं, खाना पीना कंफर्ट सब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है देखो तो ज़रा किसको कितना इंटरेस्ट है मुझे जानने की। उनका भी हक बनता है ना, ऐसे आके दिखा दिया मैं तेरा बाप तो सभी लोग तो प्रे करेंगे, लेकिन वो इसी तरह करते हैं, छुपके रहते हैं, देखते हैं कि मुझे कौन ढूंढने की कोशिश कर रहा है, कौन जानने की कोशिश कर रहा है क्या कोई जो मुझे ट्रू लव करे। हम करेंगे ना ट्रू लव, हम ट्रू लव करेंगे। तो वो ट्रू लव सिखा रही हूँ मैं आपको। तो यहाँ बोल रहे हैं हियर लॉर्ड कृष्णा हैविंग एस्टैब्लिश्ड दैट ही इज़ द ओनली एंजॉयर द प्राइमेवल लॉर्ड एंड द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ ऑल सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स रिवील्स वॉट टाइप ऑफ सैक्रीफाइसेस ही डिजायर्स टू बी ऑफर्ड। मुझे लगता है ये पूरा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो ये हम लोग नेक्स्ट टाइम पे लेंगे। फिर सेशन इतना लंबा हो जाता है, फिर आप लोग सोने लगते हो, फिर आपका ध्यान नहीं रहता है। तो वी विल स्टॉप हियर। हम लोग हैं पेज 431, टेक्स्ट नंबर 26, और फर्स्ट पैराग्राफ हमने कर लिया है। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे हियर लॉर्ड कृष्णा से हैविंग एस्टेब्लिश्ड, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। फिर इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि क्या क्या कृष्ण भगवान कहते हैं। तो ठीक है, होपफुली मैंने सारा कुछ कवर किया, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम कवर करूँगी। राइट, सो लेट्स ब्लेस एवरीबडी। हम लोग ब्लेस करते हैं। मे ऑल आवर ग्रुप मेंबर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स
इन व्हाट्सएप, फेसबुक, एवरीबडी, जो 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 ग्रुप हमारा बना है, इंटेंस ग्रुप, स्पिरिचुअल ग्रुप, सारे ग्रुप्स, और उनके फैमिली मेम्बर्स में, ऑल ऑफ अस बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, स्पिरिचुअलिटी, इनर पीस, इनर फॉरगिवनेस. मे वी ऑल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअल प्राइड एंड स्पिरिचुअल फॉल. मे वी ऑल बी ब्लेस्ड सो दैट वी क्विकली रिमूव द अनवॉन्टेड इमोशंस, एनर्जीज, अनवॉन्टेड सीड्स फ्रॉम आवर ऑरा, बॉडी, चक्रा, सोल. मे आवर हाउसेज बी ब्लेस्ड, मे वी बी ब्लेस्ड विद रिसोर्सेज, एंड मे वी बी ग्रेटफुल फॉर द रिसोर्सेज इन आवर लाइफ. मे वी बिकम एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट लव इज. मे वी वाइब्रेट लव, मे वी एमिट लव ऑलवेज. मे आवर कनेक्शन विद द डिवाइन बींग, विद द सुप्रीम बींग, विद आवर हायर सोल बी वेरी स्ट्रांग. May our connection be protected. So be it. जय श्री कृष्ण, चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वासादि गौर भक्तवृंद, बोलो श्री प्रभुपाद की जय. थैंक यू फॉर इम्पार्टिंग द वंडरफुल नॉलेज टू अस. प्लीज ब्लेस अस विद सोल स्ट्रेंथ सो दैट वी मे इम्प्लीमेंट इट इन आवर डे टू डे लाइव्स एंड इम्प्रूव आवर लाइव्स एंड ऑल्सो द लाइफ ऑफ अदर्स. वी थैंक यू इन फुल फेथ. सो बी इट. ठीक है, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुद से प्यार करो, एंजॉय योर वीकेंड. बाय बाय.